होते हैं, दे रिक्वायर, दे नीड के भाई कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर डिस्कस कर ली जाए, ताकि वो लोग जो न्यू हैं उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और वो लोग जो ईबे में तो ओल्ड हैं लेकिन उनका शायद एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर ईबे के हवाले से तारुफ नहीं है। तो इस सूरत में होता यह है कि वो ये चाह रहे होते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से उनके पास आ जाए, उसके बाद फिर जो चीज़ें उन्होंने आगे डिस्कस करनी है तो वो उसके ऊपर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हैविंग सेड ऑल दिस, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन फिर मैंने डिज़ाइन कर ली ताकि एक इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो जाए, और उसको मैं चलो कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट से इससे पहले सम अप करूं, और उसके बाद फिर हम लोग आपस में अपने क्वेश्चन आंसर्स और सब चीज़ें हम लोग कर सकें। ठीक हो गया। तो लेट मी स्टार्ट दिस। दिस 1 मिनट। हम ई कॉमर्स को ज़रा पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। होता एक्चुअली ये है कि हम लोग ई कॉमर्स को मतलब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ई कॉमर्स बेसिकली ये हमारी एक काइंड ऑफ ट्रेड ही होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी बाइंग एंड सेलिंग ही होती है, लेकिन ये ओवर द इंटरनेट होती है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली हम इसे बोलते हैं, और हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स जो बाइंग और सेलिंग के लिए ओवर द इंटरनेट हो रही होती हैं उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं हम उसे। ठीक हो गया। तो ई कॉमर्स इस वक्त हमारा एक बहुत फास्ट ट्रेंड है जो ग्रो कर रहा है, और कोरोना के बाद से खास तौर पे ई कॉमर्स की जो आप कह लें कि नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में पहले ई कॉमर्स के कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, वहाँ की गवर्नमेंट्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया है इसे। सॉरी ये जरा म्यूट हो गया था। अच्छा, अब ईबे के है ना, एक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लें कि ईबे है क्या और इस मार्केट प्लेस का पोटेंशियल क्या है, राइट। इससे पहले एक मैं छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस कर लूं कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ईबे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, खास तौर पे जो अवेलेबल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ज्यादा फोकस किया अमेज़ॉन को, और वो के लिए बिल्कुल ठीक थे कि अमेज़ॉन इज दी बिगेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट, एंड द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड विद 1 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो ये बात तो एक राइट है कि अमेज़ॉन इज अ जायंट, अमेज़ॉन इज अ बिग कंपनी। हैविंग सेड ऑल दिस, इसका क्या मतलब है कि ईबे एक छोटी कंपनी है? ऑब्वियसली नॉट। ईबे इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम ईबे के ऊपर बात करें, अच्छा ये बात आपने जरा बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है, काइंडली काइंडली काइंडली, ठीक है। वो ये है कि अगर हम ईबे के ऊपर बात कर रहे हैं और एम्पावरर्स अगर ईबे के हवाले से अवेयरनेस दे रहा है और एम्पावरर्स ये चाहता है कि लोग ईबे वाली साइट पर भी आए, ईबे वाली साइट पे ही नहीं भी आए, ठीक हो गया। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ईबे के ऊपर बात करें तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि अदर मार्केट प्लेसेस आर नॉट गुड, दे आर इक्वली और एट सम टाइम्स एंड इन सम सिचुएशंस दे आर मोर बेटर देन द ईबे, एंड इन
some situations they are not better than the eBay. ठीक है, तो जब हम eBay के ऊपर बात कर रहे हैं तो हरगिज कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो ये इम्प्रेशन ना लें कि अदर मार्केट प्लेसेज आर नॉट गुड, दे आर इक्वली गुड और इक्वली अट्रैक्टिव. बल्कि अगर आपके अदर मार्केट प्लेसेज के ऊपर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड यू हैव एवरीथिंग टू वर्क ऑन ईबे. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या अमेजोन के आप ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके पास अगर आप अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं तो यू हैव ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द लीगल, ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल द टेक्निकल जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आप ईबे के ऊपर भी सेल कर सकते हैं. ठीक हो गया. ईबे के 182 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड. इसको अगर हम वैसे देखें तो 18.2 करोड़ यूजर्स हैं, 1.5 बिलियन एक्टिव लिस्टिंग्स हैं ईबे पे, 1.5 बिलियन एक्टिव लिस्टिंग्स. ठीक हो गया. ईबे जो है 190 डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे फैला हुआ है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज यूएसए, ऑब्वियसली फिर यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक हो गया. और उसके बाद फिर चाइना के नंबर आता है, ऑस्ट्रिया है और भी कुछ हैं कंट्रीज, लेकिन ये हमने मोटी मोटी सी बात की. अच्छा, ईबे के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जो हैं वो 53 करोड़ 530 मिलियन डाउनलोड्स हैं वर्ल्ड वाइड. ठीक है. अच्छा, ये थोड़े से एक प्रूफ्स और ये ebay.com से हैं. 2.9 बिलियन रेवेन्यू था ईबे का सिर्फ क्वार्टर टू 2020 के क्वार्टर टू के अंदर. ठीक हो गया. 2020 के सिर्फ क्वार्टर टू के अंदर अगर उसने ये है क्वार्टर टू 2022.9 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू था. ये मैं जीएमबी की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू की बात कर रहा. अच्छा, 62% इंटरनेशनल सेल्स थी और 530 मिलियन डाउनलोड्स थे और इसी तरीके से 27.1 बिलियन डॉलर्स का जीएमबी था. जीएमबी बेसिकली ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स जो सक्सेसफुली सेल हो गई, वो ट्रांजैक्शंस जो कहते हैं सक्सेसफुली क्लोज हुई क्वार्टर टू में. सिर्फ क्वार्टर टू में अगर 27.1 बिलियन डॉलर की अगर सेल है तो ये एक पूरे साल के अंदर तकरीबन 108 बिलियन डॉलर्स की सेल्स बनती है. तो आपको 108 बिलियन जीएमवी बेसिकली होता है कि एक मार्केट वैल्यू की चीजें सेल हुई, यानी कि हम थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं, हम लोग ईबे को यूज करते हुए या अमेजोन को यूज करते हुए या एटसी को यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेसिकली सेल कर रहे होते हैं और जब हम वहां पे सेल कर रहे होते हैं तो वो जो टोटल होता है चीजों की सेल्स का जो वो सम होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीएमबी. ठीक हो गया. तो अगर हम इसको 27.1 बिलियन डॉलर क्वार्टर टू की सेल्स के हिसाब से देखें तो ये 108 बिलियन डॉलर बनता है एक साल के अंदर. 2.7 बिलियन का रेवेन्यू था सिर्फ क्वार्टर टू के अंदर. 1.5 बिलियन लिस्टिंग्स हैं, 71% ऑफ द सेलर्स फ्री शिपिंग देते हैं, 182 मिलियन बायर्स हैं, एक्टिव बायर्स की बात हो रही है. ठीक है, 81% न्यू आइटम्स सेल होते हैं ईबे पे. ईबे के बारे में ना एक मिथ मैंने काफी सुना कि ईबे तो सिर्फ एक ऑक्शन साइट है या ईबे पे आमतौर पर यूज चीजें सेल होती हैं. ठीक है, यूज सीधे ईबे पे सेल होती हैं, यूज सीधे अमेज़न के ऊपर भी सेल होती हैं, राइट. हाँ, ये जरूर था कि ईबे का जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज एन ऑक्शन साइट और इस वजह से शायद इसका इंप्रेशन कुछ इस तरीके का बन गया. बट अभी भी 81% न्यू आइटम्स सेल हुए थे जिसमें से 91% फिक्स प्राइस आइटम्स थे, यानी कि जो ऑक्शन या अदर ऑप्शन के थ्रू जो सेल्स हुई दोज वर ओनली 9%. ठीक है, और 17.1 बिलियन डॉलर्स की जो सेल्स हुई तो वो सेल्स बेसिकली परचेज की गई मोबाइल्स से. ठीक है. अच्छा, अब 1.5 बिलियन लिस्टिंग्स की कहते हमने बात कर ली और 182 मिलियन हमने बायर्स की हमने बात कर ली. ये बेसिकली ग्लोबल स्केल एंड रीच की हम बात कर रहे हैं और ये बेसिकली
ईबे क्लासिफाइड की कितने बात की बात है, क्योंकि ईबे की 23 इंटरनेशनल साइट्स हैं जो यानी कि ईबे के नाम से जो हैं, और इसके अलावा ईबे के अदर बिजनेसेस भी हैं जिसमें मशहूर अगर मैं बात करूं तो एक यानी कि कनाडा की जो जो दराज है जिसे हम कजीजी बोलते हैं, kijiji.com, तो कजीजी है उसके अंदर। और इसके अलावा जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर कहते हैं आप कह लें कि इनकी एक मार्केट प्लेस है वो ईबे के आगे समथिंग, बड़ा मुश्किल सा जर्मन सा नाम है इसका। तो ईबे के एक नेटवर्क ऑफ कंपनीज हैं जो ईबे के अलावा अदर नाम से सेल करते हैं और काफी अच्छा बिजनेस करते हैं ये लोग, राइट। अच्छा, यही अभी ईबे का इंट्रोडक्शन अभी हमने थोड़ा सा कंटिन्यू किया हुआ है। एवरी फोर्थ अमेरिकन हैज ईबे एप्लीकेशन इन हिज हर मोबाइल। अच्छा, मैं यहाँ पे अमेरिका के हवाले से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, एम्पावर्स इस चीज़ को बार बार कहता है कि आप लोग कोशिश करें कि आप यूएस का अकाउंट यूएस में सेल्स करें। इस वजह से ज़रा थोड़ी सी इस पे ये वाली चीज मैंने बताई। अ न्यू आइटम सोल्ड ऑन ईबे मेक्स 81% ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। और 25 मिलियन सेलर्स हैं अराउंड द ग्लोब, और 7 मिलियन सेलर्स हैं वो सिर्फ यूएसए से हैं, यानी कि 70 लाख। और जो मंथली विजिट्स होते हैं ईबे पे, ईबे ग्लोबल पे, वो 1.5 बिलियन है। ये कहीं पे 1.2 बिलियन आ रहा होता है, कहीं पे 1.6 बिलियन आ रहा होता है। ईबे ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ईबे और अमेजोन 1995 में दोनों स्टार्ट हुए थे और ईबे एक टाइम तक बहुत छाया रहा। अच्छा, जो Q2 के जो फैक्ट्स हैं, यानी कि जो पिछला क्वार्टर जो हमारा गुजरा, क्वार्टर टू जो था 2020 का, यानी कि पिछले से पिछला क्वार्टर, उसके ये कुछ फैक्ट्स हैं कि अगर $27.1 बिलियन का GMV ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम या वैल्यू की चीजें अगर सेल हुई हैं तो इट इज अराउंड $108.4 बिलियन। अब इस $108.4 बिलियन में से आपको एक साल में कितना चाहिए? $12,000, $30,000, $100,000, ठीक है? तो $108 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? दो अमेजोन का जो GMV है एक साल का वो $335 बिलियन है। ऑब्वियसली वो इससे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईबे इज अ स्मॉल मार्केट, राइट। 2.7 बिलियन का रेवेन्यू था, 91% सेल्स जो थी वो बेसिकली फिक्स प्राइस आइटम्स की थी। इट मींस कि ऑक्शन सेल्स जो हैं, अब ये उस तरह की ऑक्शन साइट नहीं रही। और 17.1 बिलियन सेल जो सिर्फ Q2 के अंदर हुई थी वो मोबाइल डिवाइसेस से हुई थी। अच्छा, अब हम एक छोटा सा यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं कि जो टॉप ई कॉमर्स प्लेसेस हैं ग्लोबल, वैसे अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की कोई एक जो मार्केट प्लेस है वो बड़ी हो सकती है अदर से, लेकिन इस वक्त हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो मार्केट प्लेसेस, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, ठीक हो गया, तो उसमें कौन कौन से टॉप पे हैं इन टर्म्स ऑफ विजिट्स। अमेजोन के 5.7 बिलियन विजिट्स पर मंथ हैं और इसकी जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम है दैट इज $335 बिलियन, ठीक हो गया। ईबे के 1.5 बिलियन विजिट्स पर मंथ है और किसी जगह पे 1.6 भी आता है, किसी जगह पे 1.2 बिलियन भी आता है। और इसके जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम है दैट इज $108 बिलियन। ईबे के बाद आता है अली एक्सप्रेस, 639.1 मिलियन विजिट्स पर मंथ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ईबे से। उसके बाद रेकुटन है, ये बेसिकली ईबे या अमेजोन की तरह की मार्केट प्लेस नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ दैट। ये बेसिकली आपको फैसिलिटेट करते हैं कैशबैक्स वगैरह के अंदर। तो ये है 621.5 मिलियन विजिट्स पर मंथ। उसके बाद JD.com है, ये बेसिकली चाइना की है लेकिन इसकी भी ग्लोबल रीच है। इसका ओल्ड नेम 360 था। और फिर Etsy भी चूंकि ग्लोबल में आती तो इस वजह से हमने इसको इसके अंदर लिया है। इसके जो विजिट्स हैं वो 266.3 मिलियन विजिट्स पर मंथ है। इसमें यूनिक विजिटर्स भी हैं और रिपीटेड विजिटर्स भी हैं, ठीक हो गया। Amazon, eBay, AliExpress, Rakuten, JD.com एंड Etsy, ठीक है।
अच्छा ये जस्ट एक हमने एक आइडिया लिया है कि भाई और कौन कौन से ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं। अभी जैसे आपने एटसे को शायद आप लोग जानते होंगे, अली एक्सप्रेस को कहते हैं आप लोग जानते होंगे, एटसे जो है वो एक अच्छी मार्केट प्लेस है, इसमें एक अच्छे मार्जिन हैं। लेकिन एटसे में ना आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल अप और बहुत ज़्यादा ऑटोमेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने मतलब एक आप यूँ समझ लें कि एक बंदे की अर्निंग या एक इस तरह की अगर आपने को अर्निंग्स करनी है उसके लिए एटसी इज़ अ गुड मार्केट प्लेस। लेकिन अगर आपने चीज़ों को थोड़ा ऑटोमेट रखना है, स्केल अप करना है, स्पीड अप करना है और आपने अपने पीएल्स करने हैं और आपने अगर अपनी होलसेल्स करनी है तो उसके लिए ईबे इज़ अ वेरी गुड मार्केट प्लेस। अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि ई कॉमर्स बिजनेस में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो अभी हमने अभी चीज़ डिस्कस की दैट इज ईबे, ठीक है, और ईबे क्यों वो चीज़ें कहते हैं अभी हमने डिस्कस कर लें। आप किसी भी तरह की कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आज जो भी कोई स्किल है उस स्किल के हवाले से आप एक बेहतर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। और उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ सकता है, आप अमेजोन होलसेल्स के अंदर जा सकते हैं, आप अमेजोन एफ बी पी एल के अंदर आप आ सकते हैं, और या आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करें और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपनी सेल्स करें। अब इसको अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें तो ईबे के लिए मेनली ये है कि आपको एक स्किल लेनी है, आपने उस स्किल को ग्रिप करना है और आपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल को पॉलिश करना है, ठीक है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एसच नहीं है, हो तो आपको ऑब्वियसली बात हेल्प आउट करती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप ईबे के ऊपर काफ़ी अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो बिजनेस सर्विसेज का भी हो सकता है, वो अपनी सेल्स का भी हो सकता है, वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंगेज करके भी हो सकता है, वो डिफरेंट होलसेलर्स को इंगेज करके भी हो सकता है, वो किसी के फंसे हुए स्टॉक को सेल करके भी हो सकता है। यानी कि ईबे के ऊपर आप एक बिजनेस जो पहले आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, जो आपकी पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी और उसके बाद आप उसको अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा आप अगर फ्रीलांसिंग में आते हैं तो फ्रीलांसिंग में जो मेन चैलेंज है आपका नॉर्मली कि सर्विसेज बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्ट्स बिजनेस की तरह बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते नॉर्मली अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कुछ बहुत एडवांस टूल्स हैं और बहुत एक्सपर्ट टीम है और वो टीम आपसे जुड़ी हुई है जाती नहीं है कहीं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब अगर हम अमेजोन होलसेल्स की अगर बात कर लें तो इसमें एक थोड़ा सा बेहतर बिजनेस जनरेट करने के लिए आपके पास तकरीबन कुछ $10,000 का सर्कल होना चाहिए, अगरचे आप इसे $500 और इवन उससे लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ी सी बेहतर आउटपुट और रेगुलर आपने आउटपुट लेना है तो उसके लिए आपके पास $10,000 हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे मैं आपको बताया कि आप $500 से भी ये वाला काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है इसमें हंटिंग का थोड़े से हैं चैलेंजेस, लेकिन उसके ऊपर जब आपकी ग्रिप हो जाती है तो फिर वो भी आपके लिए इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं रहता। इसमें चंद अदर चैलेंजेस के साथ एक जो मेजर इशू हमें आ रहा होता है वो ये होता है कि आज हमने एक चीज़ सोर्स की, सोर्स करके जब तक वो हमारी वहाँ पर पहुँच रही थी तो अमेजोन पर जो हमारी प्रिंसिपल लिस्टिंग थी उसकी प्राइसेस कहते हैं कम हो गई और मतलब हम उसको एक बेहतर प्राइसिंग के ऊपर सेल नहीं कर सके और कुछ और भी इस तरह के होते हैं चैलेंजेस, लेकिन भर ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास $5,000 से $10,000 हैं, $15,000 हैं तो ऑब्वियसली अमेजोन होल सेल्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अमेजोन एफ बी पी एल खासा कैपिटल इंटेंसिव है और स्किल इंटेंसिव है, टेक्निकली इंटेंसिव है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप बिल्कुल अमेजोन एफ बी पी एल के ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर ई कॉम वेबसाइट आप अपनी डेवलप करते हैं, इसमें हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक सिंगल आइटम वेबसाइट खड़ी की और उसे आप सेल कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो भी बात कर रहा हूँ ईबे के ऊपर से लेके नीचे डेवलप योर ऑन ई कॉम वेबसाइट तक, इसमें मेरी मुराद ये है कि आप कुछ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसे आप बखैर बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें एक चीज़, और बाद में आप उस बिजनेस की ऑटोमेशन कर सकें, ठीक है, और उसे आप अच्छी अर्निंग कर सकें। इसमें हरगिज़ मेरी मुराद ये नहीं है कि आपने अगर आज $500 कमाना शुरू किया तो आप अगले साल डेढ़ साल दो साल तक आप $1,500 तक आप पहुंचे और उसमें भी किसी महीने में आपने अगर $2,000 या $2,500 कर लिया तो अगले महीने आप फिर $100-$200 के ऊपर बैठेंगे, राइट। ये आपको कहते हैं अपनी टीम मैनेजमेंट की स्किल
इसका कहते हैं टीम्स कहते हैं स्टे नहीं कर रही हैं, तो स्केल होती हैं छोड़ के चली जाती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक हो गया। तो अगर हम इन तमाम चैलेंजेस को हम देखें राइट, तो आपके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं उसके लिहाज से आप खुद से चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई 5-1 करोड़ रुपया है तो गो फॉर यूर वेरी गुड वेबसाइट, और इसके ऊपर कहते हैं आपको कुछ स्टॉक्स वगैरह भी मैनेज करें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करें डिफरेंट होलसेलर्स के साथ यूके में यूएस में और एटसेट्रा एटसेट्रा, और आप अपनी एक भरपूर तरीके से चलें। 5 करोड़ में क्यों कह रहा हूँ ये, जब आप इसको एक बिजनेस लेवल के ऊपर आप लेके आएंगे तब ऑब्वियसली बात है आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दो कि आप सिर्फ 500 रुपए से भी ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। Amazon FBAPL मतलब यू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब इसमें $25,000 तो आपके जहन में होना चाहिए। दो के मेरा इस वक्त एक प्रोडक्ट को करते करते मेरा इस वक्त कोई $52,000 के आसपास मेरा बजट जा चुका है मेरा, ठीक हो गया। और Amazon होलसेल के ऊपर हमने थोड़ी सी कर ली बात। अब ये है कि अगर हम इस सारी चीज़ को सम अप करें तो ऐसे ही है कि जैसे अगर Amazon FBAPL इज अ काइंड ऑफ बाइंग BMW 7, अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि BMW 7 लेना 7 सीरीज गाड़ी लेना अच्छी बात नहीं। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड द मेंटेनेंस एंड पार्ट्स एंड एवरीथिंग एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड द इम्पोर्ट्स तो हैविंग अ BMW 7 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपके पास वो बजट्स और वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको चूज़ करना है कि आपने एल्टस पे जाना है, आपने होंडा सिविक पे जाना है, आपने टोयोटा कोरोला किसी सिंपल गाड़ी पे आपने जाना है, आपने होंडा N1 पे जाना है, आप मतलब यू हैव टू चूज, ठीक है। तो आपको जो चीज़ सूट कर रही है आप उसे देखें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले कोई से मैंने साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की सक्सेस आई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पैटर्न कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई कि जिसका आपने कुछ थोड़ा सा आइडिया ले लिया होगा जब आपने ग्रुप में पड़ी हुई फ्री वीडियोस को देखा होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग और लिस्टिंग और इन सब चीज़ों के हवाले से। ऑब्वियसली जो अब हमारे एम्पावर्स के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। अच्छा, वाई पे अभी हमारा हम थोड़ा सी इसे और डिस्कस कर लेते हैं। इट्स इजी टू स्टार्ट, नो सेपरेट सेलर सेंटर, यहाँ पे ईबे में हम इसे सेलर सेंट्रल कहते हैं, अमेज़न में हम सेलर सेंट्रल कहते हैं। तो जो आपका बायर अकाउंट है वही आपका सेलर अकाउंट के अंदर चेंज हो जाता है। एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव फीडबैक्स ऑफ बायर एंड सेलर, आपके एज अ बायर जो आपके पास फीडबैक्स होते हैं वो आपके एज अ सेलर भी काउंट हो जाते हैं। नो नीड टू पे मंथली फी फॉर सेलर सेंटर राइट, और नॉर्मली यू स्टार्ट गेटिंग सेल्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। आमतौर पर आप की न्यू अकाउंट होता है और आपको आमतौर पर पहले ही महीने से ना कुछ सेल्स वगैरह भी शुरू हो जाती है। अब ये वो चीज़ है जो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरता है कि आपने इन्वेंट्री के ऊपर एक रुपया भी नहीं लगाया या बहुत कम लगाया और आपको सेल्स आनी शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो गया। जिस दिन आपकी पहली सेल आती है उस दिन आपका ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि आप कहते हैं कि जी अब तो बस मैं छा जाऊंगा राइट। तो ईबे के अंदर ये कुछ इस तरह की खूबसूरत चीज़ें हैं और ये आपको ग्रेजुअली आपको लेकर चलता है। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपने सिस्टम को ग्रिप नहीं किया, चीज़ों की स्किल नहीं ली, ठीक है, तब आपके लिए ये चीज़ें करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती हैं। ईबे पे सब लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, इवन जो बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं उनका कहना भी ये है कि ईबे का अकाउंट सस्पेंड होता ही होता है। और एम्पावर्स कहता था और कहता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ईबे का अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, ईबे की तो कमाई ही यहाँ से आ रही है ना, ईबे क्यों खामखा अकाउंट सस्पेंड करेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें और उसके मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह ईबे का अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा, हमारा नहीं हुआ। अच्छा, ब्लीडिंग बजट्स वगैरह मतलब इस तरह की कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर। हाँ, आप टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं आप कि आप अगर कोई अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स को अगर आपने रैंक करवाना है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एज सच कोई बड़ी मैसिव ब्लीडिंग के आपके $8,000-$10,000 आपके सिर्फ एक प्रोडक्ट को रैंक करने के ऊपर लग रहे हैं तो ऐसा इसके अंदर चीज़ नहीं।
अच्छा, उसके बाद सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अगर सेल्स नहीं मिलती किसी एड के अगेंस्ट, आपने कोई एड कोई आपने चलाई हुई थी, ठीक है, आपने किसी लिस्ट को प्रमोट किया, तो प्रमोटर लिस्टिंग आपने एक्टिव की हुई थी, तो अगर आपको लोग क्लिक करते नहीं, लेकिन जब तक आपकी वो कोई उसे बाय नहीं करता, परचेज नहीं करता, तब तक आपको उस एड के पैसे चार्ज नहीं होते। जैसे अगर अमेजोन में हम देखें तो हमारे तो पता नहीं कितने पैसे पीपीसी के ऊपर सिर्फ क्लिक करने के ऊपर लग जाते। अभी तक हमारा एक ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव फीडबैक्स अलहमदुल्ला तक जितने आए जो भी आए हमने सब रिमूव करवा लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें सिखाई, और स्टूडेंट्स को क्या बल्कि यानी कि जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं ऑब्वियसली बात है उनके साथ भी ये चीज़ें वीडियो में भी हमने शेयर की, ठीक हो गया। और अगर यही चीज़ कभी अमेजोन पे आ जाए तो अमेजोन पे हम रिव्यू तो खैर रिमूव कराने का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, मतलब उसकी कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं। और जो फीडबैक है वो एक सर्टेन को दो तीन कैटेगरीज हैं उसके अंदर हम फीडबैक रिमूव करा सकते हैं, इसके अलावा फीडबैक रिमूव कराने का वहाँ पे कुछ सीन नहीं। ईवे में हम हमारा जो रिव्यू है उसको बेसिकली हम लोग फीडबैक बोलते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट फीडबैक भी होता है और हमारा अकाउंट फीडबैक भी होता है। अच्छा हाँ, सबसे खूबसूरत बात ईवे आपका कंपेटिटर नहीं बनता कि एक उसने देखा ना कि एक चीज़ अच्छी सेल हो रही है, चलो जी सोल्ड बाय अमेजोन कर दो उसे, ईबे ऐसा नहीं करता, ठीक है। आप अभी डिटेल्स ऑफ वन अकाउंट, आपने अगर यानी कि फॉर एग्जांपल आप यूएस में थे, यूएस में आपने अकाउंट रजिस्टर्ड किया, तो अब आपके लिए सारी दुनिया खुल गई। आप उसकी ईबे की 23 इंटरनेशनल वेबसाइट्स यानी कि ईबे डॉट को डॉट यूके में आप सेल कर सकते हैं। यूके में खैर अगर आप यूएस में हैं या किसी और कंट्री से, यूके में सेल करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि वहाँ पे आपको जरा वैट वगैरह चाहिए होता है, तो जब तक वैट नहीं था तब तक तो यानी कि खुल के आप सेल्स करते थे, तो अगर आप वैट वाली कॉम्प्लिकेशन मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। उसी अकाउंट से आप ऑस्ट्रेलिया में सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे अमेजोन में होता है ना कि अगर आपका यूएस का अकाउंट है तो आप सिर्फ कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में सेल कर सकते हैं, दो के उसके भी सोल्यूशन हैं अमेजोन में, बट वो थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस होता है। ईबे में तो अगर आपका यूके का अकाउंट है तो आप यूएस के ना सेल्स कर सकते हैं, डॉट को डॉट यूके आपने अपना रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपकी सारी यूके की थी, आप जाने के लिए मैं यूएस के अंदर सेल्स करूँ, बिल्कुल यूएस के कहते हैं डॉट कॉम पे लॉग इन करें, वहाँ पे अपनी कहते हैं लिस्टिंग्स करें और इंजॉय करें। इसी तरीके से मतलब इट्स हाईली फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस। तो इसकी कहते हैं 23 इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, हम इसे इंटरनेशनल वेबसाइट्स या ईबे मार्केट प्लेसेस हम कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूएस है, इसके अलावा मतलब काफी सारी मार्केट प्लेस है। अच्छा, और एक और चीज़ है कि यू कैन प्लेस योर इन्वेंट्री इन द टारगेट कंट्री, राइट। अगर आपके पास मतलब कोई आपके जानने वाला जर्मनी में था और आपने एक ही अकाउंट से, ठीक है, अगर आपने वहाँ की लोकल लिस्टिंग्स या आपने बनाई और आप बैठे यूएस के अंदर हुए हैं और जब भी ऑर्डर आ रहा है तो आपका दोस्त वहाँ से शिप कर रहा है, ठीक है, आप जर्मनी में थे और कहते हैं आपके दोस्त के पास यूएस में कोई वेयर हाउस है, उसके पास कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ था, कोई अच्छा दोस्त आपका वहाँ पर बैठा हुआ, तो इट्स हाईली फ्लेक्सिबल। और इसके अलावा आप ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम जो है इसके जीएसपी उसके थ्रू भी अपनी इंटरनेशनल सेल्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जीएसपी में ऑब्वियसली बात है जो बायर है उसके लिए प्राइसेस वगैरह काफी बढ़ जाती है, लेकिन लोग फिर भी बाय करते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ना जैसे जल्दी से देख लेते हैं कि हु इज एम्पावर्स, कि हम लोग कौन हैं, ये जैसे आपके एक अंडरस्टैंडिंग हो। हम लोग बेसिकली एक मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये मतलब ये जो हमने एक सेंटेंस लिखा है वी मीन दैट, राइट। और उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपने ग्रुप के अंदर भी देख ली होंगी कि हमने काफ़ी सारा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो है वो शेयर कर लिया है, कुछ और ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, और अभी ये जो एक हमारा इस वक्त ये जो ऑनलाइन हमारा मीटअप चल रहा है तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बहुत सारे लोग ईबे को ऑलरेडी कर रहे थे या ईबे वाली साइट पे आना चाह रहे थे या उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी और वो किसी अच्छी बेहतर मार्केट प्लेस के पास सेल्स वगैरह करना चाह रहे थे, तो उन्हें कुछ ऑप्शन चाहिए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी मच कंफर्टेबल, हमारा ईबे के ऊपर एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बिजनेस है, चल रहा है यूके यूएस के अंदर चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम अच्छी सेल्स उठा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस एक चीज़ थी कि यार कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और सिर्फ ईबे तक हमने कंट्रीब्यूट नहीं करना, स्टार्ट में दो के फोकस ईबे ही है, इंशाल्लाह उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्केल अप करेंगे, क्योंकि मतलब आपका
मतलब आपकी रीच वहां तक है जहां तक सोच सकते हैं आप। तो उसमें इस वक्त कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा फोकस ये है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड रहें, राइट। हमारे पास अगर कोई आ रहे हैं लोग तो हमारी कोशिश हो कि उनके नाम रिजल्ट जनरेट करवाएं, खासतौर पर जो जो कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो इसमें अभी एक विजन हमने जो दिसंबर 2021 तक एक हमने सेट किया है, वो एक हमने $10 million की ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम सेल्स हमने थ्रू एम्पावर्स नेटवर्क हमने करनी है। यानी कि वो लोग जो हमारे इस एम्पावर्स फेसबुक ग्रुप का हिस्सा हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं या अगर हमारे कुछ ऐसे आप कह लें कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स या जिनके साथ मिलके कहते हैं हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के काम कर रहे होंगे, क्योंकि इस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, या कहते हैं इन्वेस्टर्स हैं कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, राइट। तो हमने कलेक्टिवली मिलके इस एम्पावर्स नेटवर्क के थ्रू हमने $10 million की इंशाल्लाह सेल्स December 31, 2021 तक इंशाल्लाह करनी है, राइट। ये मैं सिर्फ रेवेन्यू या प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो मालियत उन तमाम आइटम्स की जो इस नेटवर्क के थ्रू सेल होंगे, ये तकरीबन कोई 1,56 करोड़ रुपये आज के हिसाब से बनता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, बट अल्लाह ताला के फजल करम से वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम लोग मिलजुल के इसे कर जाएंगे। और इसमें कहते हैं अभी वो बात थोड़ी सी आगे की है, लेकिन मैं थोड़ी सी ये भी शेयर कर लूँ। इसमें हमारी इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हों उनके साथ भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन और कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ कोलेबोरेशन द्वारा उनके साथ हमारी बननी शुरू हो, दो के पाकिस्तान थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एक्सपोर्ट की और कुछ ऐसे मामला की उसकी वजह से हम थोड़ा सा हेजिडेंट थे, लेकिन अभी एक हमारी इस वक्त अपनी कोई मतलब सम $1,000s की कुछ हमारी प्रोडक्शन अभी हमारी हो रही है, और बल्कि हमारे ईबे का जो पीएल है उसकी हमारी चीज़ें जा रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन इंक्लूजन जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि हमारा फोकस बेसिकली ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन मैंने क्यों बोला कि जो बेसिकली घर में होती हैं और सारा दिन वर्क कर रही होती हैं और हम फिर भी उन्हें कहते हैं कि दे आर दी हाउस वाइफ्स, हालांकि शायद वो 24 घंटे काम कर रही होती हैं। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन बाहर जॉब के लिए जाती हैं वो वर्किंग वूमन नहीं है। ऑब्वियसली उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि वो बाहर अपनी जॉब भी देखती हैं और घर को भी देखती हैं। और आपने किसी भी बात को किसी एक तरफ बायस बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि हमें एक बैलेंस और एक मतवाजन बात करनी है, क्योंकि हमारे जहन में बेसिकली एक बैलेंस और मतवाजन बात होती है। तो ख़ासतौर पर वो ख़वातीन कि जो कहते हैं घरों में हैं और यानी कि उनके लिए आसान नहीं है घर से निकलना या वो इसको लाइक नहीं करती एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब किसी भी रीज़न से, तो इस वजह से ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो इजीली इसकी कहते हैं जो स्किल्स हैं उनको सीखें और उसके बाद अपनी स्किल्स को ऑफर करना शुरू करें विद इन दी ग्रुप। और अगर उनका फाइवर या अपवर्क या गुरु या किसी और जगह के ऊपर अगर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है या कहते हैं किसी फेसबुक ग्रुप में अगर वो कोई क्लाइंट्स उठा लेती हैं तो वहाँ पे सर्विसेज वगैरह देनी शुरू करें और घर बैठे 350 से लेके $1,000 तक की कमाई का की कोशिश करें। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए पहले हमने चीज़ें सीखनी होंगी। ये सर एक मैंने आइडिया दिया $1,000 तक, लेकिन ऑब्वियसली आप इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी आपका अपना पोटेंशियल और आपकी सोच क्या है, आप कहाँ तक सोचते हैं। बिकॉज यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, आप वो हैं जो आप सोचते हैं। और मतलब आपका आप जो है ना, आप बेसिकली सम हैं उस चीज़ का जो आप सोचते हैं अपने बारे में, राइट। तो मतलब आप देख लें, आपने खुद से करना डिसाइड। अच्छा, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ डिप्राइव्ड जियोग्राफिकल एरियाज एंड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि अभी हमने एक कोशिश स्टार्ट की हुई है कि जो हमारा SVR है, सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी जो है ना हमारी, जिसके अंदर कोई मोर देन 50 आवर्स की बहुत डिटेल्ड ईबे ट्रेनिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वीडियोस हैं और अभी बहुत सारी आ रही हैं, मजीद आ रही हैं। तो यानी कि ये वो वीडियोस हैं कि आप अगर इन्हें सही तरीके से ग्रिप कर लें, प्रैक्टिस करें और आप अगर चलें तो आप ईबे के ऊपर एक काफ़ी बेहतर काम स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये अभी हमने वज़ीरिस्तान के लिए और
चित्राल के लिए हमने ये फ्री की हुई है, यानी कि यहाँ की फीमेल्स के लिए ना SVR हमारा फ्री है। अच्छा, इसके अलावा जो डाइवोर्स खवातीन हैं या कोई विडोज हैं या फिजिकली चैलेंज्ड फीमेल्स हैं उनके लिए भी फ्री है। और बल्कि जो हमारा EBC कोर्स है, जो एक हमारा बिजनेस कोर्स होता है बेसिकली EBC या EBC 1-on-1, तो वो हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैं इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, मतलब इंडिया ने जिसके ऊपर कब्जा किया हो, अगर वहाँ से कोई लोग एक्सेस करना चाहें तो EBC में एक सीट तो उनके कहते हर वक्त फ्री होती है, उनका कोई इंटरव्यू नहीं है उनका। अलबत्त जो लोग वजीरिस्तान से हैं या सिर्फ चित्राल से, उनके लिए एक एक सीट EBC के अंदर फ्री होती है। और जो लोग बलूचिस्तान से हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनके लिए 50% ऑफ होते हैं उनके लिए EBC की कहते मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की कहते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये खैर आज की हमारी इस वाले मीटअप में हम उस चीज़ को तो अभी डिस्कस ज़रा डिटेल में इसलिए नहीं कर सकते कि उसके हवाले से खासी डिटेल पोस्ट वगैरह जो ग्रुप में देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, अभी एक और चीज़ है कि ना, जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्हें ना एक बहुत ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए होते हैं, ईबे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं उन्हें, अमेज़न एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं उन्हें। तो अभी चूंकि इस वक्त हम सिर्फ बात करें ईबे के ऊपर, तो इस वक्त मुझे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि कासिम भाई, सर कासिम, मतलब कुछ अच्छे बंदे दें, कोई रेफर करें, मतलब इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, हम ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, हम चूँकि अपनी जॉब्स में इंगेज होते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए होते हैं, मतलब हमारे पास अकाउंट है, हमारे पास सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली हम चूंकि बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हम इस चीज़ के लिए चलें, तो अभी हम सिर्फ अपने EBC स्टूडेंट्स के अलावा किसी को उनकी तरफ रेफर नहीं करते अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो एक हमें आइडिया है कि वो एक स्ट्रक्चर के अंदर से गुजरे हुए हैं, एक प्रैक्टिसेस की हुई हैं उन्होंने और उन्हें कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स ली भी होती हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं। और फिर एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है कि अगर वो कहीं पे कहीं उन्हें कुछ चैलेंज आए तो वो खुल के आके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। तो एक और चीज़ जो मेरे सामने आई है कि हमारे जो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी, लेकिन उनका आमतौर पर सबका जो एक कॉमन चैलेंज है वो ये कि ना हमें ट्रस्ट वर्दी अपने पाकिस्तानी भाई नहीं मिलते। अब ट्रस्ट वर्दी की एक डिटेल्ड डेफिनेशन है कि मतलब वो करेक्टर वाले भी हों, वो ईमानदार भी हों और कॉम्पिटेंट भी, ठीक है। अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है और बड़ा शरीफ है, ईमानदार है, उसका भी मतलब खास फायदा नहीं होता। और एक बंदा मतलब इतना ईमानदार नहीं है लेकिन कॉम्पिटेंट बहुत है, तो ऑब्वियस बात है वो भी एक ख़तरनाक बात है। एक डॉक्टर साहब हैं और मतलब कॉम्पिटेंट तो बहुत है, ऑपरेशन बड़े अच्छे कर लेते हैं, बड़े सक्सेसफुल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत नहीं भी होती तो वहाँ पे भी ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस डॉक्टर का, उस बंदे का यानी कि करेक्टर थोड़ा सा लूज है, इशू है। अच्छा, इसी तरीके से एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत नेक हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ना वो हार्ट का ऑपरेशन उनके कुछ 36% या 80% फेल हो जाते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। तो जो ट्रस्ट वर्दीनेस है ना आपकी, वो बेसिकली आपके करेक्टर एंड कॉम्पिटेंस इन दोनों चीज़ों से आती है। इसके ऊपर हमारी एक डिटेल ट्रेनिंग है, इंशाल्लाह अभी आप SVR के अंदर और ये डिफरेंट अपने मीटअप्स जो इंशाल्लाह हमारे होते रहेंगे या जो मेरी डिफरेंट ट्रेनिंग्स आती रहेंगी YouTube जो चैनल है उस पर, तो उस पर हम इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रही होंगी, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट कर रही होंगी, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रही होंगी। जिस तरह अभी एक छोटी सी मैंने बात की कि जो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस है, इट कम्स फ्रॉम द करेक्टर एंड द कॉम्पिटेंस, राइट। अगर आप करेक्टेड हैं, आप ऑनेस्ट हैं लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो भी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आएगी, राइट। आप कॉम्पिटेंट हैं और अदरवाइज वो दूसरी चीज़ आप फुलफिल नहीं करें तो भी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आएगी। खैर, ये एक लंबा टॉपिक है, SMP से वो टाइम में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने जहन में इतना रखें कि ट्रस्टवर्दीनेस कम्स फ्रॉम द करेक्टर एंड द कॉम्पिटेंस। अच्छा, हमने कहते हैं सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी जो है वो हमने इसलिए फिर तैयार कर दी कि ताकि सिस्टम थोड़ा ऑटोमेट हो जाए, और चूंकि हम बहुत सारे लोगों को EBC 1-on-1, बहुत सारे क्या बल्कि सिर्फ चंद लोगों को ही हम अकोमोडेट कर पाते हैं EBC 1-on-1 में और EBC में ना, और तो इस वजह से हमें सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी के अंदर तमाम वही कंटेंट है जो हम EBC या EBC 1-on-1 के अंदर बता रहे होते हैं। हाँ, इसके अंदर मतलब ये होता है कि आपके पास
यानी कि जो EBC का फेसबुक ग्रुप है उसमें आप नहीं होते, या इसके अंदर कोई व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप नहीं होता, आपको कहते हैं जो हमारी फिजिकल इन्वेंट्री जो US के अंदर होती है या UK के अंदर होती है उस तक एक्सेस नहीं होती, मतलब इसमें की और बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्वियस बात है अदरवाइज भी हमारे लिए लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारी ख्वाहिश है लेकिन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम चीज़ें ऑफर कर सकें। तो लेकिन सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी के अंदर आपके पास डिटेल्ड कॉन्टेंट है, आप उसे देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, ग्रिप करें, उसे घोल के पीने, उसे इंटरनलाइज करें, उसे अपने हैबिट का हिस्सा बनाएं, आप ईवे के अंदर छा जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे चीते, टाइगर्स और जैगवार्स हैं कि जिन्होंने मतलब वो अभी SVR भी नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ जो ग्रुप के अंदर पड़ी हुई वीडियोज़ के जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल के में शिफ्ट होगी, उन्होंने उसी से ही सीखे माशाल्लाह से, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग माशाल्लाह, राइट। मतलब अल्टीमेट गोल तो ये है ना कि आपके कुछ फाइनेंशियल अर्निंग्स आपकी होनी स्टार्ट हो जाए, दो के उसके साथ इंशाल्लाह और भी ट्रेनिंग्स हम करेंगे जिससे हम और चीज़ें भी सीखें, लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश तो यही होती है कि एक हलाल, एक बेहतर आमदनी, ऑटोमेटेड और फ्लेक्सिबल आमदनी हमारे पास आनी स्टार्ट हो जाए। तो उसमें यह कि मतलब करने वालों ने तो उससे भी कर लिया, तो अगर आप SVR के अंदर आते हैं तो मतलब इसके अंदर तो बेपनाह चीज़ें। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा EBC 1-on-1 जो है, चूंकि उसके हम बहुत से लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियसली हमने SVR बना दिया ताकि ये ऑटोमेटेड रहे और बहुत सारे लोग इसे देख सकें। तो मोर देन 50 आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ईबी ट्रेनिंग और बहुत सारी आ रही हैं। अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है और जो एक हमारी अब तक अंडरस्टैंडिंग है और जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, तो इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो ईबे के हवाले से इस वक्त तक का दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड कंटेंट है ये, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है, एक एक चीज़ बताई गई है, डिटेल के अंदर बताई गई है। तो अगर आप किसी वजह से EBC ज्वाइन ना कर पाए या आपकी चीज़ या आपकी रिक्वेस्ट EBC के लिए अप्रूव ना हो, ठीक है, तो आपने दिल बर्दाश्ता बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल चीज़ की इसकी चीज़ की अगर टेंशन नहीं लेनी कि मुझे EBC 1-on-1 या EBC के अंदर स्लॉट नहीं मिली, ठीक है, आप बिल्कुल कहते हैं SVR ने आप उसको देखें। और आप समझते हैं कि अगर आप SVR भी नहीं ले सकते तो जो इस वक्त फ्री वीडियोस पढ़ी हैं उसको देखें, उसको सीखें, उसे भी इंशाल्लाह कहते हैं आप कुछ ना कुछ सर्विस, कुछ ना कुछ चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें कहते हैं जहाँ एक हम अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सुकून से ऑफिस के अंदर बैठे हम लोग कहते हैं काम कर रहे होते थे और अपनी मर्जी से काम किया और के मतलब इंजॉय किया, तो एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन, एक स्टार्ट करने की कहते हैं हमने सोचा और फिर उसके ऊपर हमने ये वर्किंग स्टार्ट की है। तो यहाँ एक छोटा सा रोल आपका ये बनता है कि आप भी फाइनली जो भी आप लोगों के आसपास लोग हैं उन्हें आप इस वाले ग्रुप में लाना शुरू करें ताकि उनका फ़ायदा होना शुरू हो, ख़ास तौर पर वो यानी कि फीमेल्स जो विडोज हैं या जो डाइवोर्स्ड हैं या जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और हाँ ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर कोई भी हो उसके लिए भी ये वाली चीज़ SVR हमारा फ्री है। और इंशाल्लाह आगे हम कोशिश है कि और भी इस तरह की हम चीज़ें लेते हैं। तो बाकी ये था कि हाँ हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया था कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर अभी कोई भी चीज़ें नहीं बता रहा, और चूंकि हमने भी इसके ऊपर कुछ सक्सेस ले ली हुई थी बिजनेस करके, कुछ नहीं टिका के सक्सेस ले ली हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और चूंकि हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर कहते हैं बिजनेस था और उस बिजनेस को हमने स्ट्रक्चर्ड स्टाइल के अंदर लेके चले थे, उसे हमने सस्टेनेबल बिजनेस बनाया हमने, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बस फिर सोचा कि अब हम कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। तो बाकी है कि वी आर प्रोवाइडिंग सच ट्रेनिंग्स एंड फैसिलिटीज थ्रू विच योर ईबे अकाउंट नॉर्मली डज नॉट गेट सस्पेंडेड। ये असल में इसका मतलब यह है कि अक्सर लोग जब मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं तो उनका वही क्वेश्चन होता है कि कासिम भाई अकाउंट सस्पेंड हो गया, कासिम भाई अकाउंट सस्पेंड हो गया, मैंने UK से बनाया था सस्पेंड हो गया, मैंने US से बनाया था सस्पेंड हो गया, मैं बड़ी अच्छी सेल्स कर रहा था सस्पेंड हो गया। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब उसका थोड़ा सा ख्याल रखें तो ये सस्पेंशन वाले जो चैलेंजेस हैं तो वो आपके नहीं आते आपके, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज डिटरमाइंड बाय इट्स वीकेस्ट लिंक। जो चेन होती है ना, चेन की वो जो कड़ियाँ होती हैं कड़ी, ठीक है। अब आप एक चेन को पकड़ के आप खींच रहे हैं तो चेन कहाँ से टूटती है? चेन वहां से टूटती है जहाँ पे उसका लिंक वीक हुआ होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम वो एसेंशियल लिंक्स उस चेन के स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होते हैं कि जिसकी वजह से कम चेन ब्रेक ना हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम इधर ईबे में अप्लाई करें तो ये बनता है कि आपकी
ईबे का जब आप बिजनेस कर रहे हैं, ईबे के ऊपर जब आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ईबे के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी चीज जो एसेंशियल थी लेकिन आपने उसको नहीं किया या आपको उसके बारे में नहीं पता था, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है? तो आपको इस सिस्टम को, इस इंफॉर्मेशन को पहले ग्रिप करना है। मतलब इस वक्त पीसीओ नहीं बल्कि सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। अगर मैं एक छोटी सी करूँ बात, एक साहब का कांटेक्ट होता है मेरे साथ, कहते हैं कि कासिम भी हो ना, मेरी ना सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गई हैं और पहले मेरी सेल्स बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जरा सबसे पहले अपनी सेलर लेवल स्क्रीन शॉट मुझे भेजा। उन्होंने भेजा तो मैंने कहा कि फौरी तौर पर अपने ना अकाउंट से लिस्टिंग्स को मतलब हटा दें या जीरो कर दें और अपनी सेल्स स्टॉप कर दें। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? मैंने कहा जी आपके हेल्थ मैट्रिसेस बहुत बैडली इफेक्ट हुए हैं आपके, ठीक है, और आपने मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। अब वो साहब खुद मैन्युफैक्चरर थे, ये सब ना मैं बात करूँ वो जो चेन की जो स्ट्रेंथ की कहते हैं बात कर रहा हूँ, वो साहब खुद मैन्युफैक्चरर थे, इट मीन्स उनके पास वर्ल्ड बेस्ट प्राइसेस थी अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, उनकी कहते हैं इंटरनेशनल सप्लाई चेन उनके पास, मतलब कैसे उन्होंने चीज़ें भेजनी है करनी है उनके पास थी, यूएस में उनका अपना वेयर हाउस था, यूएस में उनका अपना स्टाफ था जो उनके बिहाफ के ऊपर फुलफिलमेंट करता था, ठीक है, उनके पास अपने ईबे अकाउंट, मतलब सब चीज़ें थी। तो भाई अकाउंट भी सस्पेंड होने वाला था, हेल्थ मैट्रेसेस के उतने ख़राब हो गए थे। तो पॉइंट ये निकलता है कि सिस्टम पर ग्रिप नहीं थी, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कस्टमर सपोर्ट के क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर ग्रिप नहीं थी, कैसे लेकर चलना उसका नहीं था, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेज आपके ऑर्डर ऑर्डर डिलीवरी के अंदर, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आपकी क्या, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कैसी प्रोडक्ट्स लगानी है उसके बारे में नहीं था पता। तो इस वजह से सिस्टम की ग्रिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होता क्या है कि आपका जो वीकेस्ट लिंक है, यानी कि आपकी जो चेन है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, उसके बाद आपका वो होने के होते हैं चांसेस होते हैं। तो ये एक हमने जरा थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बिल्कुल खुल के डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पूछनी हैं तो आई एम हियर, यू कैन कम एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? सर आपकी आवाज रुक गई है अचानक। हाँ जी, कौन है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर, आदिल बात कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अब आइए अब आइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आदिल साहब? खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम। अच्छा सर, मेरे ज़हन में एक छोटा सा सवाल आया कि लेट्स सपोज मेरा यूके का ईबे अकाउंट है, तो मैं अगर उसमें यूएस में सेल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे LLC की जरूरत होगी या मैं मतलब स्टार्ट में वैसे ही सेल कर सकता हूँ? आदिल साहब, जो इस वक्त इस मार्केट प्लेस की खूबसूरती है ना, वो यही है, आपका अगर कहते हैं यूके का अकाउंट है आपका, तो आप ebay.com के ऊपर जाके लॉगिन करें और अपनी सेल स्टार्ट करें। अच्छा, अब आगे बात कीजिए, क्या वहाँ पे LLC बनाने की ज़रूरत है या इस तरीके से? तो आपको ज़रूरत ऐसा नहीं है, और मतलब आपका यूके की डिटेल्स के ऊपर आपकी सेल्स चल रही है, बस ठीक है, आपको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आप बेसिकली अपने यूके की डिटेल्स पे आप उसे कर रहे हैं ना, तो इस वजह से आपको उसकी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, और यहाँ पे चले, अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं एक एग्जांपल बल्कि एक रियल टाइम वो चीज़ भी शेयर कर लूँ कि इस वक्त जो मेरा यूके का एक अकाउंट, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कब सर, तो एक जो अकाउंट है इस वक्त उसके ऊपर जो मैंने यूएस की सेल्स मैंने स्टार्ट की, तो वो मेरे यूएस के अकाउंट्स जो हैं उससे ज़्यादा सेल्स दे रहा हूँ। माशाल्लाह, यानी कि मेरी एक ऐसी प्रोडक्ट थी कि जो मेरी यूएस के अकाउंट्स के ऊपर ना, पता नहीं क्या बात थी उसके, ना कहते हैं सेल्स नहीं आ रही थी उस एक प्रोडक्ट की ना,
उसके आप कहने के वो डिफरेंट रैंकिंग और वो सारे मामले भी हमने देख लिए। अच्छा लेकिन उस एक अकाउंट के ऊपर उसकी धड़ाधड़ सेल आ रही है, तो ये आप यूएस बिल्कुल में आ बच रही सकते है हैं। यूके में आ रही यूएस में है? ठीक है यूके यूके की अकाउंट डिटेल्स के ऊपर, ठीक है, ebay.com के ऊपर लॉग इन करें। सिंपली बिल्कुल ऐसे लॉग इन करें वो हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप वहाँ पे लिस्टिंग करें। वो बेसिकली कहते हैं मेरी फिजिकल स्टॉक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली मेरा ईबे पीएल है, उसके ऊपर ठीक कहते हैं मेरी ठीक सेल आ रही है। ठीक तो इसमें सर लेट्स सपोज अगर हम इसको स्केल अप करते हैं, सेल बढ़ जाती है, मतलब कोई 8-10 हज़ार, मैं कह रहा हूँ लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें इशू नहीं होगा फिर भी, या फिर सेफ साइड के लिए हम LLC रजिस्टर कर लेते हैं? नहीं, असल में ना आपको LLC रजिस्टर करने की जरूरत तब होगी जब आपकी डिटेल्स यूएस की होंगी ना। आप तो मतलब यूके की ओ अच्छा, डिटेल्स के ऊपर आप सेल्स कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको इशू नहीं ओ या सो है, क्योंकि ठीक ठीक आपके मैं समझ गया। पैसे जो लैंड करने हैं वो सारे आपके लैंड कर रहे हैं यूके में, आपका जो यूके का बैंक अकाउंट है उसमें। तो इस वजह से आप बिल्कुल यूएस बिल्कुल में जो आप सेल्स कर रहे होंगे तो यूएस ने जो कुछ सेल्स टैक्स है कुछ चीज़ें काटनी है वो काट लेगा वहाँ पे। हाँ, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं एक अलहदा से एक कंपनी बनाऊँ और उस पे कहते हैं मैं सेल्स करूं और वो अकाउंट मेरा वहीं का हो तो फिर ठीक है, लेकिन आपको यूके का चूंकि आपका ऑलरेडी है तो फिर आपको ऐसे जरूरत नहीं। ठीक। और टैक्स के मामला फिर इधर यूके में मतलब मुझे हैंडल हाँ जी करने हाँ जी पड़ेंगे, हाँ हाँ जी क्योंकि हाँ जी पैसे जो है इधर जिस लैंड करेंगे तो। हाँ जी जिस कंट्री में आपके पैसे लैंड करेंगे वहीं से। अच्छा, इसमें ना जी आप एक बात को मतलब जहन नशीन कर लीजिएगा, हम ऑब्वियसली आप भी और बाकी जो दोस्त भाई बहन सुन रहे हैं, वो ये है कि जब भी कुछ टैक्स या लीगल मैटर्स के हवाले से आप कभी मुझसे पूछें या किसी भी और मेंटर ट्रेनर से आप पूछें, ठीक है, तो उनकी बात को आपने सुन लेना है, समझ लेना है, लेकिन हतमी बात वही होगी जो आपका अकाउंटेंट बताएगा, ठीक है। ठीक वो ठीक आपका कनाडा का अकाउंटेंट था, वो आपका यूके का था, वो आपका यूएस का था, ऑस्ट्रेलिया का था, जर्मनी का था, कहीं हतमी बात उसकी होगी। तो इट मीन्स कि आपने जब भी हमसे आपने पूछना है, ठीक है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने अकाउंटेंट से इस चीज़ डिस्कस करेंगे, अकाउंटेंट से या लीगल कंसल्टेंट से। जी जी सर, आपने आपने बजा फरमाया। मैं इधर थोड़ा सा सजेशन भी देना चाहूंगा जो दूसरे लोग शायद सुन रहे हैं, तो कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज यूके या यूएसए में, और अगर यूएस में बेच रहे हैं तो उधर का अकाउंटेंट लोकल हो तो बेटर होगा, अगर यूके में हो तो यूके का अकाउंटेंट हायर करें। इससे ये होगा कि उनको अकाउंट के बेसिक नॉलेज होते हैं मतलब, और बिल्कुल कुछ लोग ऐसे, मतलब इंडिया या बांग्लादेश से हायर कर लेते हैं तो उनको इतना मतलब समटाइम बिल्कुल सेंस नहीं होता, तो वो अकाउंट अपना उड़वा लेते हैं। या टैक्स के मामले में ये कंट्री बड़े स्ट्रिक्ट बहुत होते से हैं, तो कंट्रीज में इन बिल्कुल मामलों को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। जी, तो चलें सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक, जजाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम अली अली फ़ारसी। जी सर, सर मेरी आपसे मैसेंजर पे भी बात होती रही है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे उधर बहुत वैल्यूएबल मशवरा दिया था, और नया स्टोर था उसी पे मैं आपके मशवरे से ही काम कर रहा हूँ अभी 24, अभी तकरीबन मुझे उस पर कोई 18-19 दिन हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं जो है ना, 3-4 पॉजिटिव रिव्यूज भी हमारे आ चुके हैं। तो माशाल्लाह। अकाउंट कितना पुराना है? अकाउंट तो पुराना था लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था, काम अभी स्टार्ट किया है उस पर। आपका यानी कि सेलर अकाउंट में आपने अभी कन्वर्ट किया है या पहले से कैसे कन्वर्टेड था पहले आपको सर सही केबल की सेल्स? वो सीनियर था कि 2-3 साल पहले उसको सेलर पे कन्वर्ट किया हुआ था, और उस पर कोई 1-2 ऑर्डर सेल भी किए थे लेकिन फिर छोड़ दिया था उसको, तो अभी उसको दोबारा स्टार्ट किया था, उस पर लिमिट वगैरह कोई नहीं थी, तो फिर मैंने आपसे मशवरा किया था, तो आपने बोला था कि डॉलर ट्री से कुछ प्रोडक्ट्स लेके तो वो आप लगाएं, तो वो उस तरीके से हम कर रहे हैं, हम ब्रेक इवन पे ही सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह तो अभी ऑब्वियसली हम नहीं बना रहे, लेकिन ये है कि हमारी वेलोसिटी भी आ रही है और माशाल्लाह रिव्यूज भी आ रहे हैं, तो लेटर फिर हम लोग जो है ना वो ऑनलाइन आर्बिटर। सर एक मेरे पास एक और स्टोर है क्लाइंट का, मैं वो मतलब केस स्टडी में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। स्टोर 1 साल पुराना है, तकरीबन 1.5 साल पुराना, जून 2019 में बनाया गया था, और उस पे सेल्स भी हुई हुई हैं, उसके ऊपर 97 रिव्यूज हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टोर बंद था कुछ महीनों से, और उसका भी है कि उसकी जो अकाउंट के रिव्यूज हैं, जो फीडबैक है, वो 92% पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है 8%, और 97 टोटल रिव्यूज हैं। तो सर पहले उसके ऊपर 4 नेगेटिव रिव्यू थे, परसों एक रिव्यू खुद ही रिमूव हो गया, पिछले 3
नेगेटिव बच गए, आज एक फिर रिमूव हो गया, अभी नेगेटिव दो बचे हैं, वो खुद ही ईबे की तरफ से हो रहा है, हमें नहीं कोई आइडिया। लेकिन अभी हम उस स्टोर पे हम करके रहे हैं कि आपने जैसे मशवरा दिया था कि हम लोगों ने कुछ डॉलर ही के प्रोडक्ट उस पर लिस्ट किए हैं और कुछ हमने जो है ना दूसरे परफ्यूम और अंडरगारमेंट्स वगैरह के वेंडर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी हमें लोकेशन पता है, हमने उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं। सर इसके अलावा हम लेटर इस स्टोर पे क्या स्टेप ले सकते हैं आगे? बेसिकली हम करना ऑनलाइन आर्बिट्राज चाहते हैं। सही है। अच्छा इसमें अच्छा अली आप वही वाले अली हो के वो जिसने मास्क वाली पहले तस्वीर लगाई हुई थी? जी सर जी, वो हाफिज अहमद सर के साथ। जी सर वही। जरा बहुत शरारतें करते हो आप इस पे ग्रुप पे। आप लगता है कोई दो तीन दोस्त हो आप ना, और आप लोग यानी कि मुझे मॉडरेटर्स ने बताया कि ये दो तीनों जो ग्रुप है दोस्तों का, तो ये बड़े नोटिस हैं, बड़े शरारती से हैं। चले माशा अच्छी बात है, रौनक लगी रहती। अच्छा अभी ऐसा है कि आप पहले तो आप एक चीज मुझे ये बताओ कि ईबे इतना अच्छा नहीं है कि ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिमूव करे, ठीक है? आई थिंक के आपके जो नेगेटिव्स हैं आपके ये जी कितने पुराने थे? जो चार नेगेटिव्स जो थे सर ये ऑलमोस्ट एक साल से पुराने थे। अच्छा बस फिर ठीक है, फिर ठीक है। उसमें ना कहते हैं डिफरेंट होते हैं सिनेरियोस। वो एक सिनेरियो ये भी होता है कि जो एक साल पुराना होता है उसका इम्पैक्ट तो परसेंटेज के अंदर शो हो रहा होता है, लेकिन आपको जो नेगेटिव फीडबैक है वो कहते हैं आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपकी जो परसेंटेज है वो 92% है। जी सर, पहले वो 90% थी, अभी 92.9 हो गई है खुद ही। हाँ जी, वो 92.9% इसलिए हो गई है कि आपके पॉजिटिव फीडबैक्स बढ़ गए हैं, नेगेटिव नहीं रिमूव हुए आपके, ठीक है? अगर आपके नेगेटिव रिमूव हुए होते वो बहरहाल एक अलग से उसकी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। मोटी सी बात यह है कि आपकी जो परसेंटेज है वो बेहतर हुई है, अच्छी बात है। अच्छा अब इस वक्त उसकी सेलिंग लिमिट्स कितनी है, उसकी लिस्टिंग लिमिट्स? अभी 100 है। ठीक हो गया, सही है। आप अभी ना फिलहाल यही डॉलर ट्री वाली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, डॉलर ट्री की प्रोडक्ट्स से मुराद है कि कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स के जो आप इंस्टेंटली आप उसका जो ट्रैकिंग आईडी है वो आप अपलोड कर सकते, ठीक है जी? तो वो बस आप इसके ऊपर कंटिन्यू रखो, लेकिन एक फार्मूला आप जहन नशीन कर लो, आप भी इस वक्त बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं जी सर, कि अगर तो अकाउंट है न्यू फिर तो वो जो 1/60 वाला एक फार्मूला वो आपके जहन में रहे, वन लैपटॉप वन मशीन वन ब्राउजर और वन इंटरनेट कनेक्शन, और अगर इसको वन इंटरनेट कनेक्शन को तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाई कर लें, और अगर आप लोग मैनेज कर सकें तो वन स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा फॉर स्टार्टिंग 60 डेज, ठीक हो गया? अच्छा एक तो चीज़ होगी ये। दूसरा ये है कि लिस्टिंग लिमिट्स जो हैं आपकी यानी कि उसे आपने ऑब्वियसली बात है यूटिलाइज करना है आपने, और आपकी जब लिस्टिंग लिमिट इंक्रीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके इस अकाउंट की अगर मैं करूं बात, तो अगर आपकी इस वक्त 100 आइटम्स की अगर अलाउ है तो आपने 60% या 70% से ज्यादा की सेल्स नहीं होने देंगी। लिस्ट बेशक आप कर लो, ठीक है, बेहतर यही होता है, सेफ यही होता है कि आप ना जितनी आपकी लिस्टिंग लिमिट है उसका लिस्ट भी आप 60-70% ही आप करो। जी सर, आपने बताया था, मैं इस पे अमल कर रहा हूँ ऑलरेडी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सेकंड जो इस वक्त एक सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका सेकंड आपका मंथ आपका आना है तो आपकी पिछले महीने से अगले महीने 400% से ज्यादा सेल्स नहीं होनी चाहिए। 400% जी सर। अच्छा उससे जो नेक्स्ट मंथ है तब फिर पिछले महीने का 400% से हरगिज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी सर, ठीक है। अच्छा उससे जो अगला महीना आएगा उसमें सिर्फ आपने पिछली सस्टेन करनी है और 20% से ऊपर नहीं जाना, और बस इस वाले फॉर्मूले को मतलब आप सस्टेन रखें और 20% से ऊपर ना जाने सेल्स हर महीने, ठीक है जी। तो बस ये आप करके चलते जाएं, इंशाल्लाह कहते हैं आप 12th मंथ के ऊपर आप मतलब बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर खड़े होंगे जी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, एक मेरे मेरे पास बेसिकली मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सॉरी सर। मेरा एक और क्लाइंट का स्टोर है, उन्होंने जिस टाइम पे मुझे हायर किया था उनकी सेल थी 30-35,000 डॉलर्स पर मंथ। वो हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जिनके पास, जिनके हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन उनकी हमें लोकेशन का पता है, तो वो इसी तरह के जैसे हमारे पास वो फिजिकल स्टॉक है हम उनकी ट्रैकिंग वगैरह भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो अभी ये हुआ कि इसी जो महीना नवंबर का चल रहा है, इस महीने में खुद ही उनकी सेल इतनी इंक्रीज हुई। हमने सिर्फ ये किया कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग ज्यादा किया है, लेकिन अभी उनकी सेल्स जो है ना वो 30-35 से लेके अभी 50,000 तक आ चुकी है। सही सही तो अभी एक तो ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इज इट ओके। दूसरे नंबर पे वो चाह रहे हैं कि हम इस सेल को और इंक्रीज करें, इस सेल को। और अभी वो कहते हैं कि आप डेली 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिया करो। तो क्या 10 प्रोडक्ट डेली लिस्ट करना, ये क्या ओके है, या इस पे आपका क्या? असल में उस वाले अकाउंट की हिस्ट्री क्या है, आई मीन पिछले 4 माह से या पिछले 6 माह से उसकी क्या सेल्स आ रही थी, मतलब आई मीन आज से 6 माह पहले क्या सेल थी, फिर 5 महीने, फिर जो लास्ट फोर्थ लास्ट मंथ था उसके सर ऊपर ये चीज़ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30-35,000 के दरमियान में सेल उसकी रही है पिछले 4-5 माह। यानी कि पिछले 4-5 माह जो है 30 से 35,000 डॉलर के दरमियान रही है, ना इसे नीचे गई है ना इसे ऊपर गई है, ऐसे जी जी सर ठीक हो गया। अच्छा इस पे मोस्टली क्या हो रहा है, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग हो रही जी है सर या फिजिकल स्टॉक सेल हो रहे हैं, मतलब उनके सर अपने। ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है, और फिजिकल तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है उधर। लेकिन यह है कि हम जो वेंडर हैं जिनके हमने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, ठीक और है उनके डेली की हमारे 3-4 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन उनके हमें लोकेशन का पता है, तो वैसे ही है जैसे समझ लें हमारा वेयर हाउस है, बाकी ऐसे ज्यादा ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऐसे तो ज्यादा पोर्शन आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज का है या इसका है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या ड्रॉपशिप सर ज्यादा? कितना है? ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 35-65 की रेशियो बनेगी। 65 ऑनलाइन आर्बिट्राज चला जाएगा, 30-35 हमारा दूसरा। मतलब अच्छा डेली अगर आपकी 15 ऑर्डर आ रहे हैं तो 5 ऑर्डर्स उसके होंगे जो हमारे पास जिनकी लोकेशन है, और कोई 10-12 दूसरे ऑर्डर्स इस तरह होते तो आपकी सर ओए की ऑनलाइन आर्बिट्राज की टोटल कितनी हैं। लिस्टिंग्स आपकी इस वक्त एक्टिव है उस एक अकाउंट ऑनलाइन आर्बिट्राज? उस अकाउंट पे हमारी जो टोटल लिस्टिंग है वो 400 है, और ऑलमोस्ट जो 270-300 जो है ना वो हमारी, मतलब समझ लेके जो लिस्टिंग है वो 70% हमारी ओए की है, और बाकी जो 100-25-30% हमारी दूसरी। क्योंकि आपकी ने ये जो परसेंटेज जीरो आपने मेंटेन की है ना, ये बहुत सेफ है ठीक है। जी सर जब अच्छा उसमें एक चीज और है कि जो आपकी ट्रैकिंग आईडीज हैं जी वो सर आपकी यानी कि सेम ऑर्डर डे आई मीन विद इन 24 आवर्स उसकी ट्रैकिंग आईडी अपलोड हो जाती, मार्केट से नहीं हो सर, जाता? ट्रैकिंग आईडी अपलोड होते हुए हमें 3 दिन भी लग जाते हैं। नहीं मैं ओए की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। जी सर दोनों में सेम डे तो नहीं होती, उसमें जो दूसरा है उसमें भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि वो भी हमने वेबसाइट पे प्लेस करना होता है, फिर वो वेबसाइट पे लेते हैं, फिर हम लोग उधर से, आपको पता ही होगा सर। बस आप ना उसका कहते हैं अगर उसका टाइम ड्यूरेशन आप अगर कम कर लो तो यानी कि जो आपका ट्रैकिंग आईडी है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स का ठीक है, वो जी आप किसी सर तरीके से उनके साथ बात करके ना आप कोशिश करो कि आपसे 24 आवर्स के अंदर आप ले आओ, अगर वो आप ले आते हो तो फिर ये मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। अच्छा आपकी किसी एक सिंगल डे में ऑब्वियसली आपकी तो 1,000 डॉलर से ऊपर भी सेल आती होगी किसी एक दिन में। जी सर हमारी ये जो इस मंथ के फर्स्ट वीक में तो हमारी बहुत अच्छी, पहले जो वीक में एक दिन में हमारी 3,000 भी गई थी सेल, ये थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। इसी वजह से सर। इस ये जो मंथ चल रहा है सर, इसके पहले वीक में बहुत सेल आई है और माशाल्लाह बहुत प्रॉफिट बना है, लेकिन जब सेकंड वीक में थोड़ी स्लो हुई, लेकिन थर्ड वीक में तो सेल आई ही नहीं, डेली कोई 4-5 ऑर्डर्स आए हैं, तो इस तरह सेल बहुत कम हो गई। लेकिन अभी 2 दिन से सेल दोबारा जो है ना वो ठीक होने लग गई है। हालांकि इस मंथ की जो सेल है वो पहले से ज्यादा है, सिर्फ इसके पहले वीक की वजह से, क्योंकि पहले वीक में बहुत बिका है, हमारे डेली के 60-70 ऑर्डर्स तक गई है, हालांकि एवरेज जो हमारे वो 15-20 ऑर्डर्स सही हो गया ठीक है। उसमें भी ऐसा है कि ना यानी कि जो ये सब एम्पावर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें रहते हुए अगर आप 30% आप अगर वो कर रहे हो और 70% आपका ये चल रहा है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने हैंडलिंग टाइम कितना दिया हुआ है, 3 डेज है, हैंडलिंग। जी सर 3 डेज। और 3 डेज के अंदर आपकी कितने परसेंट ट्रैकिंग आईडीज आपकी 3 डेज के अंदर अपलोड हो जाती है? सब मोर देन 90%, मतलब कभी कोई ऐसा केस होता है जिसमें रह जाए, अदरवाइज 3 डेज के अंदर तो हमारी हो जाती है। और अमेजोन से है मेनली? अच्छा नहीं हम लोग सर वॉलमार्ट, होम डिपो, कॉस्टको, टारगेट ये कर रहे हैं, अमेजोन सही है। से हम लोग नहीं कर रहे। बिल्कुल भी नहीं कर रहे,
नहीं सर, वो मेरे क्लाइंट है, वो कहते हैं कि ईबे और अमेज़न एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, तो हम लोग अमेज़न से नहीं कर सकते। बाकी भी कंपेटिटर्स हैं, बाकी कौन सा दोस्त है, बाकी भी कंपेटिटर्स हैं। चले अच्छा जी सर, ठीक है बस ठीक। इट मींस उसके पास टैक्स एग्जम्पशन वगैरह है उसके पास। जी सर, हमारे पास होम डिपो गया, वॉलमार्ट की हमने अप्लाई की हुई है, तो पहले थी लेकिन खत्म हो गई, अभी दोबारा अप्लाई किया हुआ। ठीक है ठीक है, चले फिर बेटर। अच्छा उसमें ऐसा है कि अपेरेंटली आपका यानी कि मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा आपको, बस ये है कि आपकी एक महीने से नेक्स्ट मंथ की जो ग्रोथ है ना आपकी 20% से अब ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बेशक आप यानी कि आपकी अगर इस महीने अगर आपकी $35,000 सेल्स थी तो अब आप उसके ऊपर 20% ऐड कर लें, 20% से ऊपर अगले महीने नहीं जानी चाहिए। यानी कि कुछ भी ईबे को ऐसा ना लगे कि यार ये कुछ एकदम से काफ़ी सारी सेल्स करके और ये कुछ पैसे इकट्ठे करके भागने लगे। जी सर, ये है बेसिकली उसका उसके पीछे अराज की ये तो बात है। अच्छा एक चीज और है, ये तो मैं कहता हूँ कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास कोई ऐसी अरेंजमेंट हो। उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने शिपिंग बाय करनी है ईबे से, ठीक है जी। अभी अगर आप 10-20% कुछ ऐसा कर लो कि आप ईबे से शिपिंग भी आपके बाय हो रही है, यानी विद इन द ईबे आप शिपिंग बाय कर रहे हो, तो फिर इंशाल्लाह कहते हैं आप बिल्कुल सेफ हो, राइट। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा खतरा है क्योंकि आपकी जो शिपिंग है वो ईबे से बाय नहीं हो रही जी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है कि जो आप अभी इस वक्त मिस कर रहे हो, जो चीज़ें अब तक आपने मुझे बताई हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा तो जब तक चीज़ें पूरी बिल्कुल सामने हो, स्क्रीनशॉट्स हो तो उसे पता नहीं चलेगा। जो आपने बताया उसमें ये है कि उसमें सिर्फ आप एक चीज़ ऐड कर लो कि बस ये आप के शिपिंग जो है वो आपने बाय करनी है विद इन द ईबे। जी सर, मैं थोड़ा रिपीट कर लूँ बस, हमें अभी फिलहाल ये ईबे की शिपिंग अरेंज करवानी है, और जो हमारे पास जिस स्टॉक की लोकेशन है वो 30% तक एटलीस्ट हमारा मेंटेन होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग्स, और बाकी सेल को 20% से ज्यादा हमने बढ़ने नहीं देना इस मंथ में, ठीक है। हाँ। सर एक और केस स्टडी है, मैं वो भी डिस्कस कर लूँ आपसे, कर लें क्योंकि काफी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन शायद आपके क्वेश्चंस यूनिक है, मेरे ख्याल में बाकियों को भी फायदा होगा इसका। हाँ जी जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक स्टोर है, मैंने जब 1.5 महीना पहले आपसे कॉन्टेक्ट किया था तो उस वक्त एक नया स्टोर था, उस वक्त उस पर सेलिंग लिमिट थी सिर्फ, हम लोग लिस्टिंग लिमिट थी 5 प्रोडक्ट्स हम लिस्ट कर सकते थे, हमने 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी उस पर, लेकिन हमें 1.5 महीने से उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया, व्यूज आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आया, लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज करके देखी है लेकिन ऑर्डर कोई नहीं आया। लेकिन अभी यह है कि 2 महीने होने वाले हैं और ईबे ने फर्स्ट मंथ तो होती नहीं इंक्रीज, लेकिन अभी दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है और उन्होंने हमारी जो है ना लिस्टिंग की लिमिट वो खत्म नहीं की। ठीक है, उसमें आपको एक भी सेल नहीं आई है अभी तक? नहीं सर, एक भी नहीं आई। अकाउंट कहाँ का है? यूएस का सर, सारे अकाउंट यूएस के। डिटेल्स भी यूएस की हैं? जी सर। और प्रोडक्ट्स कौन सी लगी हुई है, मतलब डॉलर ट्री का फिजिकल स्टॉक? जी सर जी, डॉलर ट्री का फिजिकल स्टॉक है, यानी कि वही स्टॉक जिसपे आपको अदर अकाउंट्स पे सेल्स आ रही है इस पे नहीं आ रही? नहीं सर, वो डिफरेंट और क्लाइंट है, ये वाला प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन ये है कि इन्हीं यही प्रोडक्ट्स और दूसरे सेलर्स की बिक रही हैं। ठीक है, और अभी आपकी वो क्या कहते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग का ऑप्शन एक्टिव हुआ? नहीं सर, वो नहीं एक्टिव हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। हमने भी सब्सक्रिप्शन बाय ही नहीं की, हमने सब्सक्रिप्शन भी नहीं ना उसकी परचेज की, और वो ऑप्शन भी नहीं ओपन हुआ हमारा। नहीं नहीं, उसके बगैर ये आ जाता है, वो जरूरी तो नहीं है। सब्सक्रिप्शन आप स्टोर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो ना आप? जी जी सर। नहीं 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 नहीं, स्टोर सब्सक्रिप्शन का इसके साथ नहीं है कोई ताल्लुक इसका, लेकिन फिर भी सर वो एक्टिव नहीं हुआ हमारा वो ऑप्शन, मैं नहीं मिला अभी वो। बरल 2 महीने नॉर्मली होता है इस तरीके से है कि ईबे ने ना यानी कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया कि वो कितने दिनों में या कितनी सेल्स के अगेंस्ट क्या होगा, तो प्रमोटेड लिस्टिंग एक्टिव होगी, और अगर कहीं बताया हुआ तब तक हमारे नॉलेज में नहीं आया अभी तक ना। ठीक हो गया जी। अच्छा लेकिन आमतौर पर ये होता है कि आपके अगर यानी कि 5 आइटम्स थे और उन 5 में से अगर आपके 3 भी सेल हो जाए तो 1 महीने के अंदर नॉर्मली 30 डेज के अंदर अंदर आपकी प्रमोटेड लिस्टिंग का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। यूके की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस में कहते हैं हमने इसको बहुत डीपली स्टडी नहीं किया था, लेकिन उसमें भी हमारे किसी अकाउंट पर मेरा नहीं ख्याल को 1.5 या 2 महीने से ज्यादा लेट हुआ होगा। अब ये है कि इस वक्त आपके अदर अकाउंट्स के ऊपर जो कोई हॉट सेलिंग चीज़ है जो बड़ी अच्छी बिक रही है, तो आप फिलहाल आप उसको यहाँ पे लिस्ट करें, ठीक है, और मतलब सेल आ जाएगी आपके पास। अच्छा एक चीज़, और फिर भी अगर सेल नहीं आती तो आपने क्या करना है कि इन 5 आइटम्स को
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी परचेज और शिपिंग शिपिंग मिला हम लोग के ये थे $10 के, ठीक है, तो आप उसे कहते $5 के ऊपर आप लगा दो ताकि आपकी सेल तो आए, थोड़ी सी करो ब्लीडिंग, मतलब ये तो ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है ना, मतलब जी सर जो ब्लीडिंग हम लोगों ने की है ये सुन रखी हुई है अमेज़न पीएल वाली, उससे कुछ भी नहीं है जी, ठीक है, इट्स नॉट इवन अ पीनट, कुछ भी नहीं है जी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो वो आप इसको बेशक $2 $1 की आप लगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह कहते आपको सेल आ जाएगी, और जैसे ही कहते हैं आपकी थोड़ी सी इसके ऊपर सेल आ गई तो बाकी आपके पास एक्सपीरियंस है कि माशाल्लाह से सेल आती है जी। अच्छा सर इस पे मैंने अभी मामला ये कि अभी हमारे सिर्फ 4 लिस्टिंग्स एक्टिव हैं और पांचवी भी वो अलाउ नहीं कर रहा, और जब मैं लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके उसकी प्राइसिंग वगैरह कम करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर भी वो सेम ऑप्शन ही दे रहा है कि यू कांट लिस्ट मोर देन 5, आपने वो जो है ना वो सेलिंग लिमिट, यू रीच सेलिंग लिमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप इससे ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, तो वो अपग्रेड भी नहीं कर रहा मेरी लिस्टिंग को। उसमें ये कि ना इट कैन बी अ ग्लिच, और उसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि आप इस वक्त यानी कि सिर्फ 2 आइटम्स और उन 2 आइटम्स की फिलहाल एक एक ही या दो दो क्वांटिटी बस, ठीक है, या एक आइटम की एक क्वांटिटी, एक आइटम की दो क्वांटिटी और प्राइस कम, और किसी तरीके से आप उसकी सेल निकालो ताकि कसानी जो है ना वो आपको यानी कि टॉप पे शो कराए आपको, तो आप जैसे टॉप पे कितने शो हो गए तो होपफुली इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी सेल आनी। जी सर बस लास्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह अगर हम खुद से सेल कर लें तो भी, हाँ हाँ मतलब वो तो एक ऑप्शन है ही ना, वो तो हम सब ने सीख लिया पाकिस्तानियों ने, ठीक है, उसमें तो कहते हैं ये तो ईबे है, वो तो अमेज़न चीखे मार रहा है, अमेज़न को से नहीं संभाला जा रहा, तो ईबे तो मतलब ईबे को तो आप बड़े वो आप करो इंस्टेंटली आप करो, असल में उसका मैं इसलिए अभी आपको नहीं कह रहा था कि उसके ऊपर आपकी ब्लीडिंग एज कम्पेयर टू जस्ट प्राइस कम करके सेल करने की नस्बत ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया, दो के वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, वो ऐसे छोटे से $20-25 एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे जी, लेकिन वही है ना कि सर अभी तक 2 महीने हो गए कोई सेल लिस्टिंग तो ओवर होने रही, तो फिर क्लाइंट भी कहते हैं कि प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, तो फिर मैं इस वजह से हाँ करो 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 करो। वैसे ये मतलब मेरे सामने कोई फर्स्ट एवर केस आ रहा है कि 2 महीने हो लिस्टिंग हुई हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आपने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें आपने की और आपको सेल ना है, ईवे आपको पहले महीने, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक या फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ही सेल आ जाती है, लेकिन 1 महीने के अंदर तो आपको सेल आती ही आती है अंटिल अनलेस के यानी कि आपने वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हुई है, ठीक है ना, तो ये बस आप करो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कौन है, समीता है, नेक्स्ट हैंड रेस किया होता समीता साहब ने, वो भी वाइब ओवर चले, समझाने का, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया आपका ग्रुप और यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज मेरी गेन हो रही है सर। मेरे बेसिक सवाल है, मैं न्यू हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ ईबे को, अगर हम एक न्यू अकाउंट मतलब सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट डायरेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं उसके अकाउंट की हेल्प से, उसको कोई फर्क पड़ता है, जैसे उसकी लिमिट होती है कि $500 या 50 प्रोडक्ट हम लिस्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से मुझे बता दे। और दूसरा मुझे आपका जो SVR मुझे लेना है उसके अंदर एक मैंने कोर्स की डिटेल देखी है कि आप मैनेजिंग ब्लू केयर एक इसके अंदर है, वो मुझे बता दीजिए, समझ में नहीं आया मुझे क्या चीज़ है ब्लू केयर। और थर्ड मुझे ये बताइएगा सर कि जो फिजिकल स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, डॉलर ट्री से भाई से बात हो रही थी आपकी, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल मुझे बता दें। सही हो गए, चलें अब अपना अपना पहला क्वेश्चन दोबारा पूछें मुझसे, क्या है, मैंने कहा आपका पहला क्वेश्चन क्या था, अच्छा एक मिनट को अनम्यूट कर दूंगा, मुदस्सर हेलो,
हाँ जी मतलब सर, अब आप एक एक करके मुझसे पूछिएगा क्वेश्चन, अपन म्यूट हो गए। आवाज आ रही है आपको मतलब सर? मदरसर जो है उनके शायद इंटरनेट का इशू हो रहा है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग आ रहा है इसमें। चलिए उतनी देर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आंसर भी करूँगा तो इन्हें फिर सुनाई नहीं देगा। जी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट मोहम्मद कामरान है। मुदस्सिर जो थे उनका कनेक्शन लूज हो गया था बीच में, लॉस्ट हो गया था। जी कामरान, कामरान आप अनम्यूट करें जरा, इधर होस्ट की तरफ से अलाउ हो गया आपको। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर मैं होल मतलब ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहता तो मुझे कहाँ से सोर्स करना चाहिए? छोटी को बल्क क्वांटिटी नहीं जाए कि 10-12 प्रोडक्ट मैक्सिमम सोर्स भी कर सको, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो ईबे के ऊपर सेल करने के लिए। आपका कोई बंदा यूएस में है या जो भी आपकी टारगेट मार्केट है उसमें है कि जो ये चीज कर सके आपके बिहाफ पे? जी वो न्यूयॉर्क में है बंदा। बस ठीक है, ठीक है। आप कोई सा भी ऐसा स्टॉक के ऐसी प्रोडक्ट कि जो जरा थोड़ी बेहतर सेल होती है, वो यानी कि उनसे कहें कि वो परचेस करके अपने घर पे रखें। बेहतरीन ये है कि वो किसी भी होलसेल स्टोर से या मतलब वॉलमार्ट से या कहीं से भी जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से ले लें और ला के रख लें, और जैसे जैसे ऑर्डर है तो आप उन्हें बताते जाएँ, वो उसे शिप करते जाएंगे, और उसका जो शिपिंग लेबल है वो आप बाई करें विद इन द ईवे। और मजीद हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मैं हंट करता हूँ ड्रॉप शिपिंग या वैसे ही हंट करता हूँ मतलब उसके ऊपर जो प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है क्या वॉलमार्ट या ईबे से मुझे मिल गया और स्टैट्स भी अच्छे हैं, मैं वही चाहता हूँ कि मैं वही प्रोडक्ट सेल करूँ उसके ऊपर और वो क्वांटिटी लेके लाइक फिजिकली तो जिससे प्रॉफिट मार्जिन भी हो, तो वो किस तरह मतलब मुझे मिलेंगे वॉलमार्ट अमेजोन या होम डिपो के प्रोडक्ट्स होलसेल रेट पे ताकि मुझे प्रॉफिट अच्छा हो जाए? मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहता तो यही चाहता हूँ कि फिजिकली प्रोडक्ट बेचूं लेकिन क्राइटेरिया वही हो मतलब हंट वहां से करके। राइट अच्छा, अभी आपका अकाउंट न्यू है आपका? जी अकाउंट न्यू है। अच्छा, उसमें भी ये है कि अभी फिलहाल आपने बनानी है अकाउंट की हेल्प, इस वक्त आप प्रॉफिट को फिलहाल ना सोचें, ठीक है? क्योंकि अब आपकी तो लिस्टिंग लिमिट कितनी है अभी आपकी, सेलिंग लिमिट और लिस्टिंग लिमिट? वो बिल्कुल मतलब न्यू क्रिएट ही करना है वो, उन्हें बस सिर्फ ना वो चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें सोर्स कहाँ से करें, वो ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते तो वो कहते हैं कि फिजिकली प्रोडक्ट ही सेल करने वो इस्लाम के तहत और हाँ जी, मैं यही लिस्टिंग लिमिट ना अभी आपकी, अगर आपने स्टार्ट अभी लेना है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी लिस्टिंग लिमिट सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की होगी, ठीक है? तो भी 60-90 डेज तो अभी आप सिर्फ अकाउंट की हेल्थ बनाएंगे, एक दफ़ा सब्र के साथ अकाउंट की हेल्थ बनाने उसके बाद फिर मतलब इंजॉय कीजिएगा देखना तरीके से। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि पहली ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं वो कोई सी भी आप अपने क्लाइंट से या दोस्त जो भी कोई आपका है उससे आप पहले थोड़ी सी ये रिसर्च कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट ज़रा बेहतर सेल हो रही है, ठीक है? उसके लिए आपने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वो जो वीडियोज़ हैं वहाँ से देख सकते हैं आप, और उसके बाद यह है कि वही चीज़ें अगर आपने अमेजोन से आपने सोर्स करनी है या अगर आपने वॉलमार्ट से आपने सोर्स करनी है, मतलब आपने जस्ट 5 मतलब एक आइटम के 5 क्या कहते हैं यानी कि एक SKUs के 5 आइटम्स या 5 डिफरेंट आइटम्स या मतलब आपके पास यानी कि टोटल 5 की है कैपेसिटी ना, तो वो अगर आपको स्टार्ट में लॉस में भी सेल करने पड़ते हैं तो आप करें, मतलब ज़्यादा कितने नुकसान हो जाएगा आपका? 5 की बजाय $10 का हो जाएगा नुकसान, ठीक है? लेकिन आपके पास उसकी सेल्स आ जाएँ अगले महीने, फिर आपकी जब लिस्टिंग लिमिट थोड़ी और बढ़ जाएगी तो उसके बाद उसमें भी यानी कि आप उसे सेल करें। नॉर्मली ये होता है कि आपको इतना सा भी लॉस नहीं होता, आपकी यानी कि
थोड़े से प्रॉफिट के साथ आपकी सेल्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरी सेल नहीं आ रही और महीना भी खत्म होने वाला है, तो आप उसकी प्राइस गिरा दीजिए। और ठीक है, 60 to 90 days आप अकाउंट की हेल्प बनाएं, ठीक है। मीन वाइल कहते हैं आप ये चीज़ सर्च करते रहें कि आपको कहाँ से मिल सकती है। अच्छा, अब यह है कि फिजिकल प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन तो यही है कि आप चाइना से कोई 2-3-4 प्रोडक्ट्स कोई अच्छी सेल होने वाली जो है वो आप अपनी कहते हैं बनवाएं और कहते सेल करें। अच्छा, अगर इतना बजट नहीं है तो फिर वो जो भी कोई साहब हैं आप उन्हें थोड़ा सा रिसर्च करके बता सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आप वॉलमार्ट से या कॉस्को से आप जाके परचेज कर लें, ठीक है। यानी कि जो भी उसकी मिनिमम होल सेल क्वान्टिटी जो होगी उसकी, उतने में उसको कहते हैं परचेज करके ले आएंगे आप, उसे फिर कहते हैं लिस्ट करें, लिस्ट करके उसके बाद आपके पास सेल आ जाएंगी। मतलब स्टार्टिंग में तो ये ठीक है ना, तो अगर फिर मतलब आगे भी लेके जाना है तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं की होलसेल पे प्रोडक्ट्स मिल जाए। कोई ऐसा ड्रॉप शिपर या होलसेलर मशहूर हो जिसके अमेज़न और इन प्रोडक्ट्स ही हों। अगर आपके क्लाइंट के पास कहते हैं टैक्स एग्जम्पशन है ना, तो वो वॉलमार्ट की आप समझ लें कि कोई मतलब कम अज कम कोई 30-35% प्रोडक्ट्स इस तरह की होंगी जो आप आसानी से ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं अच्छे मार्जिन के साथ। और अगर उन्होंने कॉस्को का अगर उन्होंने अकाउंट लिया हुआ है, ट्रेड अकाउंट लिया हुआ है, तो भी कहते हैं वो अच्छी सेल्स कर सकते हैं। और अगर उन्होंने अमेज़न के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन ली हुई है, तब भी कहते हैं वो आपके पास बहुत अच्छी प्राइसिंग के ऊपर चीज़ें आ सकती हैं आपके पास, ठीक हो गया। और अदरवाइज़ क्या है कि वो चूँकि ख़ुद अमेरिका में हैं, तो वो वहाँ किसी भी बड़े होल सेल या लिक्विडेशन स्टोर के ऊपर जाके या किसी भी ऐसी जगह से जाके क्वान्टिटीज़ ले सकते हैं, लेके अपने पास रखें और जब ऑर्डर्स हैं तो आप डिस्पैच कराएं उसे। मतलब आपके पास एक ये बहुत बड़ा एज है ना कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो दोस्त है वो खुद से कहते हैं वहाँ पर है और वो आपके लिए ये भी या अपने लिए वो ये भी सर्विस कर सकता है। यानी कि आपके लिए तो बहुत आसानी है, आपने तो प्रोडक्ट निकाल के उन्हें कहना है कि जी ये आप जाएं और वॉलमार्ट से जाके परचेज कर लें न्यूयॉर्क में। जी, समझ आ गई। ठीक है, और वैसे टाइम टैक्स एग्जम्पशन से प्रॉफिट मतलब बढ़ तो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम फ्यूचर में भी वही काम करते रहे, मतलब प्रोडक्ट फिजिकली बाय करके फिर सेल करें। देखिए, फिजिकली प्रोडक्ट बाय करके सेल करने के जो प्रॉफिट्स है ना वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के नहीं है, ठीक है। उसमें आपके ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं फिजिकली बाय करके सेल करने में, और अकाउंट की हेल्प भी रहती है, राइट। ऑनलाइन आर्बिट्राज की अट्रैक्शन बस ये है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, आपके पास पहले पैसे आ चुके होते हैं और फिर आप उन पैसों से चीज़ परचेज करके भेजते हैं, ठीक हो गया। बस उसमें आपकी चीज़ों की मैनेजमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो ये मिक्स करके बेशक आप चलाते रहें या उस तरीके से आप करें, तो उसमें तो आपके पास अच्छे पैसे बचेंगे। और जैसे आपकी थोड़ी सी सेल्स बेहतर होती हैं तो उसके बाद आप चाइना से चीज़ें मंगवाएं या पाकिस्तान से आप चीज़ें भेजें। सही, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट है एहसन इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम जी, एहसन शुक्र है, आप खैरियत से? सर मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट हैं यूएसए से, तो उनकी कुछ प्रोडक्ट्स थे, वो चाह रहे हैं कि ईबे पे सेल करें, वो मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो खुद भी शिप कर सकते हैं और अमेज़न से भी शिप कर सकते हैं। तो उन्होंने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट किया है सितंबर में, तो अभी तक कोई लिस्टिंग लाइव नहीं है उस पर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उनके अकाउंट को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ बगैर वीपीएस या वीपीएन के? और इसमें कोई अमेज़न अकाउंट को ईबे अकाउंट को अमेज़न तो मैं चाइल्ड एक्सेस के थ्रू कर रहा हूँ ना। नहीं, ईबे की असल में जो उन्होंने आप कह लो के चाइल्ड अकाउंट एक्सेस वो जो बनाई है ना, उसमें आप सिर्फ लिस्टिंग ही कर सकते हैं, या एक ऑप्शन हो रहा है। और उसके लिए भी ना, यानी कि आपका अगर ईबे अकाउंट हो और वो भी यूएस का अगर, तो ये ऑप्शन सिर्फ यूएस के लिए है, ठीक है। तो वो आप, हाँ जी, उन्होंने मल्टी यूजर एक्सेस असल में क्रिएट करने की कोशिश की है लेकिन उनसे हुआ नहीं, वो पता नहीं शायद न्यू अकाउंट की वजह से है या वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो अगर मैं उनके अकाउंट पे काम करना चाहूँ ईबे पे तो किस तरह करूंगा मैं उनसे? यहाँ से आप एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ से आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल। अच्छा, सेकंड ये है कि आप उनसे यही कहेंगे कि बेहतरीन ये होगा कि वो वहाँ पे एक
मशीन रख दें आपको, आप उसे यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर VPS ले लें, अगर वो नहीं हो सकता तो आप कोई भी टूल, आप ऑटो DS जो है यानी कि वो सब सब्सक्राइब करके उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दें इसके साथ, और जो आपकी लिस्टिंग है और आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो फिर आपको उसके थ्रू हो सकती है। जी बिल्कुल, तब वो बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई मसला तो नहीं होगा अकाउंट के लिए। ऑटो DS अगर हम सब्सक्राइब करते हैं यहाँ से, उसकी सब्सक्रिप्शन लेके इंटीग्रेट करते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं, यानी कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मैं अपने लिए बेस्ट समझ रहा हूँ, जो हम यूज कर रहे हैं, तो हम आपको वही बता रहे हैं। इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, वो फिर मतलब एक अकाउंट के लिए वो फिजिबल नहीं रहते, क्योंकि 20-25 अकाउंट हो फिर वो समझ में आता है। तो मतलब कि डायरेक्टली मैं उनके अकाउंट को यहाँ से अपडेट नहीं कर सकता, मुझे ऑटो DS यूज करना पड़ेगा और उसकी सब्सक्रिप्शन लेके उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको वो होता है ना कि आपने कभी सारे मैट्रिसेस देखे हैं, मतलब वो जो ओवरव्यू स्क्रीन है या कोई और चीजें हैं या कोई मार्केट रिसर्चेस करनी है आपने, उसके लिए आपको ना यानी कि अकाउंट की एक्सेस चाहिए होती है आपको, तो जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसके लिए कहते हैं आप ऑटो DS यूज करें, और कभी कभी उसे एक्सेस करना हो तो फिर उसके लिए आप VPS ले लें, या उनसे कहें कि वो दे दें आपको कोई मशीन वहाँ रखते हैं उसकी एक्सेस दे दें। ठीक हो गया। और जो ऑर्डर्स हम लोग शिप करेंगे वो अमेज़न से डायरेक्ट भी हम अपने सेलर सेंटर से? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका इस वक्त स्टॉक अमेज़न FBA में पड़ा हुआ? हाँ जी बिल्कुल, अमेज़न FBA में। हाँ जी, तो आप ना बस इन्वेंट्री में जहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो हो रही होती है, आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, तो वहाँ पे उसके ना राइट जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें होगा सेंड FBA ऑर्डर, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप सेंड कर दोगे, आपसे वो उसे हम लोग बोलते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैनुअली यानी कि एड्रेस पुट करना पड़ेगा अपने बायर्स का वहाँ से? हाँ जी, अगर आपका आइटम बल्की है थोड़ा सा, मतलब आप कह लो कि उसके डायमेंशन है 1 फुट बाय 1 फुट 6 फुट और कोई 1.5 किलो से ज्यादा है केजी से, तो फिर आपको सस्ता पड़ेगा अमेजोन से, और अगर यानी कि वो इसे छोटा है तो फिर आपको अमेजोन से महंगा पड़ेगा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। स्मॉल आइटम्स है, मेडिसिन रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल में वो अगर वो खुद शिप करे, नहीं अगर उसमें आपका कहते हैं अगर मार्जिन अच्छा है तो बस ठीक है, फिर तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि जो आपके नॉर्मली मेडिसिन रिलेटेड चीजों में आपके मार्जिन अच्छे होते हैं। तो इसके लिए आप रिकमेंड VPS रिकमेंड करेंगे या ऑटो DS? देखें, अगर आप VPS यूज करते हैं ना तो आपके पास पूरे अकाउंट की एक्सेस है। जी ठीक है, जो भी आपने देखना सारी चीजें आप देख रहे हैं वो सारे मामला ऑटो DS में आप 3-4 चीजें कर सकते हैं, मतलब लिस्टिंग आप कर लोगे और प्रोसेसिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, और ट्रैकिंग वगैरह इस तरह के ये जो मामलात हैं, मतलब ऑटो DS तो खैर आपको वैसे भी चाहिए होगा, लेकिन वो होती है कि जब आपने अपनी प्राइसिंग की ऑटोमेशन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, और वो फिर लेकिन होता है कि जब आपकी बहुत सारी लिस्टिंग हुई होती है ना, कोई 60-70 से जब ऊपर चली जाती है, 1200-1300 हों, 400-500 लिस्टिंग हों, तब आपको ऑटो DS चाहिए होगा। स्टार्ट में मतलब उसका खर्चा कराने की जरूरत नहीं है, अभी यही है कि VPS हो जाए या वो वहाँ पे मशीन रख दे आपको, कोई ना न्यू अकाउंट है या तो पुराना अकाउंट हो ना, चलो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर ज्यादा। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। वकार अहमद है नेक्स्ट रो में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हो रहा सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर मेरे क्वेश्चन कुछ बेसिक से होंगे, तो आपकी गाइडेंस चाहिए। मैंने eBay स्टार्ट किया है, मार्च में अकाउंट बनाया था, तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से रुक गया था काम, तो अभी दोबारा से मैंने इसी मंथ उसमें स्टार्ट किया है लिस्टिंग, तो उसकी स्टार्ट लिमिट तो 200 है प्रोडक्ट की, तो मुझे ये जानना है कि मतलब ebay.co.uk से मैं उसको मतलब ऑपरेट करूँ या ebay.com से? मेरा अकाउंट ebay.com का है। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। सर ebay.com का अकाउंट है मेरा, और मैं चाह रहा हूँ कि ebay.co.uk पे भी मैं चीजें सेल करूँ और .com पे भी, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसके बारे में आपकी गाइडेंस चाहिए कि मैं एक ही अकाउंट से करूँ या दोनों के डिफरेंट अकाउंट बनाऊँ? अभी जो आपका अकाउंट बना हुआ है वो USA की डिटेल्स पे बना हुआ है? जी, .com का बना हुआ, पाकिस्तानी डिटेल पे बना हुआ है।
पाकिस्तानी रिटेल पे बना हुआ है और डॉट कॉम का, और पेपॉल आप कहाँ का यूज कर रहे हैं? सर यूएई का। तो इस पे अब तक आपने कितनी सेल्स की हैं? सर अभी स्टार्ट, अभी तो लिस्टिंग की है, मतलब एक तो वीक हुआ लिस्टिंग की है, तो अभी जीरो है उस पे। कितनी लिस्टिंग्स हैं अभी टोटल? अभी तक मेरी 6-7 लिस्टिंग हुई हैं और लिमिट 200 तक की है। जब आपने अकाउंट बनाया था तो अकाउंट बनाते ही आपको 200 की लिमिट मिली थी? जी सर। सही। ये बकर बहुत हाई चांसेस हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि ना आपने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाया आपने, तो पाकिस्तानी डिटेल्स 100 में से कोई एक अकाउंट ही चलता है, ठीक है? और यानी कि आप अगर हमारी सारी पोस्ट और सारी चीज़ें आप अगर ग्रुप में आप देखो, तो उसमें हमने जिस बात पर बताई हुई है कि किसी भी डेवलप कंट्री का प्रेफरेबली, यानी कि नंबर 1 इज US, अगर नहीं तो फिर UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यानी कि किसी भी डेवलप कंट्री या यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप, तो या फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट आपका, और अगर ये भी नहीं होता तो फिर आपके पास बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया वगैरह, ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी अकाउंट तो यानी कि बड़ी बात है, अगर आपने 6-7 लिस्टिंग कर ली और 6-7 दिन में वो चल रहा है, बहुत हाई चांसेस है कि पहली सेल आएगी और ये सस्पेंड हो जाएगा। जी सर, उसकी मैं बेसिकली रैंकिंग पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में, अच्छा ये तो अकाउंट तो देख लेंगे, अगर किसी और का मुझे बनाना पड़ा तो वो ठीक है। आप मुझे ये सर्किट समझा सकते हैं कि इन्वेंट्री हमारी, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो वो तो हमारी यहीं पे पाकिस्तान में पड़ी होती है, तो अगर यही अकाउंट चलता है अल्लाह करे, तो क्या मुझे इन्वेंट्री यहीं पे रखनी चाहिए या इन्वेंट्री को कहीं और पे रखूं? अगर आप कर सकते हो ना तो बहुत प्रेफर्ड यही है कि जो भी आपकी टारगेट मार्केट है आपकी, यानी कि US है या फिर UK है, वहां पे पड़ी हुई हो, ठीक है? UK में तो बल्कि आप सेल नहीं कर सकोगे, सेल आप कर सकोगे लेकिन आपको इशू आना है वैट का ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आपने UK की लोकल डिटेल्स पे बनाया होता तो फिर आपको कहते हैं वैट का इशू नहीं आ रहा था। अब आपकी सिर्फ डिटेल्स पाकिस्तान की हैं तो UK में आपको कहते हैं वैट का इशू आएगा। तो आप ये फिलहाल यूँ समझें कि मतलब आप अभी UK में सेल्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास वहाँ कोई अकाउंटेंट है और वो मतलब LLC के मसाइल और सारी चीज़ें देख के अगर वो कर सकता है तो फिर ठीक है। अच्छा, US में कहते हैं आप सेल्स कर सकते हो। अच्छा, उसमें है ये कि US में अगर आपका स्टॉक वहाँ पड़ा हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ऑर्डर आता है ना तो आपके पास डिलीवरी टाइम बहुत कम होता है ना, मतलब आपने अगर लिखा है कि जी मैं आपको 3 दिन हैंडलिंग टाइम है और 5 दिन के अंदर मैं डिलीवरी दे दूंगा, तो आपके पास ना ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं आपके पास, ठीक है? आप आइटम लोकेशन पाकिस्तान भी शो कर सकते हो, लेकिन आइटम लोकेशन पाकिस्तान शो करने के बावजूद, मतलब आप अगर उसे DHL से आप अगर भेजें, मतलब ये सारी चीज़ें करके भी अगर आपको पैसे बचते हैं, ठीक है, तो फिर आप आइटम लोकेशन के अंदर दे सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। आइटम लोकेशन पाकिस्तान दी जा सकती है। अभी जो मैं प्रोसेस मैंने रखा वो ये कि इकॉनमी शिपिंग करता हूँ, फ्री करता हूँ, वो तकरीबन 11-23 डेज इतने लगते हैं, तो क्योंकि फ्री शिपिंग देंगे। जी जी, इकॉनमी शिपिंग फ्रॉम मतलब पाकिस्तान पोस्ट, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान, जी सर, पाकिस्तान पोस्ट से। जी, पाकिस्तान पोस्ट से। तो अभी आपने कुछ भेजा है या अभी आप ये सोच रहे हो? नहीं सर, ये अभी सोच रहा हूँ, भेजा नहीं है। ठीक हो गया। अभी उसमें यह है कि ना, यानी कि पाकिस्तान पोस्ट का तो आपको वैसे ही पता है कि वो तो आम दिनों में भी इतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते आम तौर पे, ठीक है? तो कोरोना में तो यानी कि वो बिल्कुल ही ठंडे हुए होते हैं, मतलब मुश्किल हो गया। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, मैं कौन सी सर्विस यूज की जाए? रिकमेंड ये है कि अगर आपको पर आइटम अगर आपके पास मार्जिन हैं तो आपके पास सही की ऑप्शन है कि DHL वो आपको 4th दिन वहाँ पर डिलीवर कर देगा, यहाँ से ऑर्डर आया उसको पोस्ट डे के दिन वहाँ पर डिलीवर हो। सर फिर वो मैं फ्री शिपिंग तो नहीं ना मतलब ऑफर कर सकता ना उनको, फिर मुझे शिपिंग के चार्जेस लेने पड़ेंगे? उसमें ये है कि फ्री शिपिंग अगर आप ये समझते हो कि वो शिपिंग डाल के अगर आपको कुछ मार्जिन बचता है तो आपने उस शिपिंग की प्राइस को अपनी मेन प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करना है आपने, अगर उतना मार्जिन बचता है। मेरा नहीं ख्याल के DHL महंगा पड़ता है, काफी महंगा है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं। मेरे पार्सल, हमारे पार्सल मोस्टली हाफ के जी होंगे, हाफ के जी तो 1 kg, तो अगर मैं यहाँ से US से भेजता हूँ DHL में, तो मैं मतलब उसकी कितने शिपिंग चार्जेस वो जो ऐड करूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मोस्टली $15, $20, $30, मैक्स $50 तक, $50 तक, यानी कि 10 से 50 DHL आपको शायद फिजिबल नहीं पड़ेगा। जी सर, वो महंगा पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स सस्ती हैं, पाकिस्तान पोस्ट ही है, पाकिस्तान पोस्ट ही है,
उसमें ये है कि यानी कि पाकिस्तान पोस्ट से आप करके देख लो, लेकिन मतलब चूंकि हमारी भी इधर मुल्तान से जाती हैं चीजें तो हमें पता है इनका। आप कहाँ से आ रहे हो? सियालकोट से? जी सर, सियालकोट से। ठीक हो गया। अब आप अगर सियालकोट से हो तो आप ना वहाँ का जो रीजनल ऑफिस होगा जो भी कोई DHL का, तो आप यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट के अगेंस्ट आप उनसे ये चीज डिस्कस कर लेना कि अगर मैंने अपना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करना हो तो जी मतलब उसमें क्या डिस्काउंट्स हैं और कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी कंपनी है, सारी चीजें हैं आपकी। जी सर बिल्कुल। तो मतलब इस तरह की चीज। अब हाफ के जी जो है ना, लास्ट प्राइसिंग जो मेरे पास थी तो हाफ के जी आपको तकरीबन मतलब 4500 से 5500 रुपये पड़ जाना था आपको। जी सर, इतने की प्रोडक्ट्स नहीं होती। हाँ वही ना, तो ये एक चैलेंज है थोड़ा सा। हाँ अलबत्ता आप अगर सेपरेटली आप अगर शिपिंग प्राइस आप मेंशन करोगे और फिर आइटम लोकेशन पाकिस्तान होगी, मतलब वो आपको फिजिबल पड़ेगा कि अगर आपने कोई ऐसी लेदर जैकेट बेचनी है जो $200 की कितने बिक रही है, उसके अंदर आपको इतना मार्जिन होता है कि आप ये चीजें आप कर लो। लेकिन इसमें थोड़ा सर, अब इसमें बिल्कुल ठीक हो गया। अब अच्छा, इसमें ये कि मेरा अकाउंट अभी न्यू है तो सेल्स नहीं आ रही, तो क्या मुझे सेल्स जनरेट करवाने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो इनकी सेल कम ही होती है, ठीक है, तो सेल जनरेट करने के लिए मैं क्या सी चीज ऐड करूं अपने अकाउंट में कि मेरा अकाउंट जो है वो जरा रनिंग में आ जाए? इन प्रोडक्ट्स के अलावा मैं कुछ ऐड कर सकता हूं? यार आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। पहले तो आप अकाउंट ऐड करो, क्योंकि इस अकाउंट को तो मतलब आप एक्सपेरिमेंट करना तो आप कर लो, अच्छी बात है। उसमें ये कि ना आप अभी इस वक्त यूएस अभी आप यूएस का अकाउंट ढूंढो, यूएस की अकाउंट ढूंढ के और मतलब यूएस की डिटेल्स के ऊपर यूएस का अकाउंट, ठीक है, और मतलब यही है इस वक्त आपके लिए। सर ये तो फिर यही समझ ले कि एज अ प्रैक्टिस मैं इसको करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो बाद में ये है कि चले वो एक वर्चुअल कंपनी यूके में या यूएसए में वो प्रोसीजर किया जा सकता है, लेकिन फॉर द ट्रायल वर्जन मैं यही करना चाह रहा हूँ कि क्या अभी इसको रन करने के लिए मैं कोई ड्रॉपशिप प्रोडक्ट्स करूँ या कुछ और आप रिकमेंड करते हैं कि जो अकाउंट रनिंग में आ जाए, कुछ फीडबैक्स आ जाए? असल में ना कहते हैं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो बुनियादें हैं ना घर की वो सही नहीं है, तोड़ के सही करो। आप कह रहे हो कि मैंने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको क्या मशवरा दूँ? उसमें ऐसा ही है कि आप अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट देख के यानी कि जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपको यूट्यूब चैनल से मतलब उसमें कहते हैं 6-7 वीडियोज हैं बड़ी डिटेल्ड है, वहाँ से आप देख के आप सीख लो और फिर आप उसके अंदर कोई हंट करके आप उसे लिस्ट कर दो। होपफुली कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा अगर आप इसी अकाउंट के ऊपर ही आपकी ट्राई करनी है। और दूसरा अगर अभी आपने यानी कि टेस्ट ही करना है तो आप फिर बेसिक बेशक यानी कि पाकिस्तान पोस्ट से कोई का आइटम भेज के देख लो, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि पहले या दूसरे तीसरे ऑर्डर पे अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है कि यार बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन योर बिजनेस ना इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी बात की थी ना, दी स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स वीकेस्ट लिंक, कि भाई चेन की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही होगी कि कौन सा उसका लिंक है जो कमजोर है। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो सारी मतलब आप तो फिर अभी आपका यूएस में अपना वेयर हाउस नहीं है ना। मैंने तो वो एग्जांपल दी थी कि एक बंदा है मैन्युफैक्चरर है, उसका यूएस में अपना वेयर हाउस था, सारी चीजें थी और वो मतलब उसका ईबे का सारा बिजनेस हुआ था खराब। वो क्यों खराब हुआ था? वो इसलिए खराब हुआ था कि स्किल नहीं ली हुई थी उसने, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आप क्या कहते हैं उसे स्किल लो आप पहले, ठीक है। एटलीस्ट जो कहते हैं फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं कहते हैं उन्हें आप देखो, अगर कोई मतलब फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं या ऐसा कुछ है, आप खुद अगर बिजी हो तो किसी छोटे भाई को, किसी भांजे को, छोटी सिस्टर को, किसी को कहते हैं आप इसी के बारे इंगेज कर सकते हो। तो मतलब बात यह ना कि यार हम इस वक्त पूरी दुनिया को कंकर करने जा रहे हैं और हम यहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में मुल्तान कराची लाहौर में बैठ के साथ कारोबार में बैठ के हम सेल्स करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके यूरोप वगैरह के अंदर। लर्निंग पे हम फिर हमें तवज्जो देने की पड़ती है जरूरत ना। तो आप लर्निंग हाँ जी आप वो आप कर लोगे ट्राई किया था आपको पता है अभी आप मार्केट में आपको पता है 2 से 3 चीजें चल रही हैं 2 से 3 नाम चल रहे हैं तो मैंने उनको ट्राई किया था तो वहाँ पे ना वो उनका जो मेन फोकस वो अमेज़न पे है तो मैं ईबे करना चाह रहा था तो वहाँ पे ईबे की कह लें कि बस शॉर्ट सी वीडियोस पड़ी हैं कुछ खास नहीं मुझे मिला। मैंने दोनों को ट्राई किया हुआ, ठीक है। तो आपका ग्रुप आया था मुझे ऐड के थ्रू आ गया था
तो यहाँ पे ईबे जो है वो आपने बोल करके लिखा हुआ था, तो मतलब कि आपका फोकस ईबे पे है, तो इसलिए मैंने मतलब ये मीटिंग भी ज्वाइन की है। तो आपकी जो यूट्यूब पे वीडियोस है मैं वो भी इंशाल्लाह देखता हूँ। तो आपने ग्रुप भी ज्वाइन किया अभी आपने हमारा? नहीं सर, अभी ये इवेंट में ही मैंने बस किया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। अच्छा चले, इस तरह से है कि ये जो चैट है ना, इस चैट में भी हमारे जो यानी के लिंक्स वगैरह दिए हुए सारे। जी सर। हाँ जी, तो वो सारे लिंक्स वगैरह कहते हैं गए हुए, वो आप करके उसके बाद आप जो फेसबुक ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन करो। अब तक मेरी जितनी पोस्ट आई हुई है वो आपने सारी देख लेनी है, या इसके अलावा जो डिफरेंट डिस्कशंस वगैरह उसमें चल रही होती हैं वो आपने देख लेनी है आपने, ठीक हो गया। और क्योंकि ना इस वक्त कुछ ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, फिर जो हमारे पास आउट ईबीसी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो यानी कि ईबे बिजनेस कोर्स वाले, उनकी कहते हैं डिफरेंट पोस्ट वगैरह इसके अंदर आ रही होती हैं, उनके कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, या इसके अलावा जो वीडियोज़ वगैरह उसके अंदर पड़ेंगी, तो यह आप देखनी शुरू करें। और मज़ीद अगर आपने कोई अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग के हवाले से कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन कहते हैं आपने करनी होगी, जैसे भी हमारा ईबीसी में तो शायद आपके लिए आना मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल कहते हैं अभी 1st of November से ईबीसी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा प्लान है कि आपने एक बड़ी एक्सटेंसिव लर्निंग इसकी करनी है और आपको यूँ लगे कि 2 महीने बाद आप किसी पॉइंट पे आप खड़े हो और आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग स्किल और नॉलेज है ईबे का, तो आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा हसन ग्रेवाल, HASAN GREWAL, हसन ग्रेवाल, ठीक है, उनका शायद मैं हमें प्रोफाइल का लिंक भी होगा इसमें चैट में, ठीक है, तो उनसे आपने कॉन्टेक्ट कर लेना है, तो अगर आपका कोई सीन बनता होगा तो आप ईबीसी में आ सकेंगे, वरना आप SVR के थ्रू भी आप जाके लर्निंग कर सकते। लेकिन पॉइंट ये है इस वक्त कि ग्रिप द सिस्टम फर्स्ट। इस वक्त आपको ना देखें, अभी आपने ये एक बात की कि इस वक्त जो अदर प्लेटफॉर्म्स हों वो इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अमेजोन को, राइट, बिल्कुल ठीक है, अमेजोन इज़ अ गुड मार्केट प्लेस, नंबर वन मार्केट प्लेस। ईबे इस वक्त मतलब इस वक्त कोई भी उसके ऊपर डिटेल कंटेंट नहीं बता रहा, राइट, और मैंने देखो मैं बेसिकली अमेजोनर हूँ, मेरा कहते हैं पीएल चल रहा है, मेरी होलसेल चल रही है अमेजोन पे, ठीक हो गया, और अभी खैर ये अभी करने वाली बात नहीं थी, लेकिन चलो अगर ये वाली बात हो रही है तो मैं यहाँ पे कर दूँ। एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएल इन ईबे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमारी मतलब तक सारी तैयारियाँ हुई हुई हैं, बस अभी हमारी कुछ टेस्टिंग वगैरह कहते हैं चल रही है अभी हमारी, तो उसमें एक होल्ड ऑन। हाँ जी, अच्छा, अब उसमें ऐसा है कि यानी कि पीएल का कॉन्सेप्ट और इवन कहते हैं शायद अभी हम ईबे होलसेल का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कहते हैं अभी हम लोग इंशाल्लाह ले हैं। तो पॉइंट इज दैट कि ईबे पे जब हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस ली और तो फिर ये चीज़ आया जहन में आई कि इस वक्त ईबे के ऊपर बिजनेस चूँकि अमेजोन की नस्बत खासा आसान है और बहुत सारे लोग कहते हैं आसानी से कर सकते हैं इसे ना, ठीक है, तो इस वजह से फिर हमने कहते हैं टीच करना शुरू किया ईबे को, और पहले यानी कि हमने फ्री वीडियोस दी हैं, सारी चीज़ें कहते हैं हमारी फ्री आ रही थी, फिर हमें ये डिमांड आनी शुरू हुई कि हमें सुपरवाइज लर्निंग चाहिए हमें कुछ लोगों ने कहा, फिर ऑब्वियसली वो फिर चूँकि अगर हमने सुपरवाइज लर्निंग करनी होती है तो फिर हमारा जो स्टाफ है उसने इंगेज होना था, तो मतलब एक हमने बहुत मुनासिब सी प्राइसिंग के ऊपर ना कहते हैं हमने वाली चीज़ स्टार्ट की कि ठीक है जितना हमारा ये टाइम लगता है तो चलो उसकी कहते हैं कोशिश करते हुए हम ट्रेनिंग देनी शुरू करें। तो ग्रिप द सिस्टम, राइट, और ईबे के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपकी सोच है, मतलब मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, मतलब इसको आपने सुन के फिलहाल भूल जाना है, आपने अभी स्टार्ट में आपने ऐसा नहीं सोचना, वो बात यह है कि इस वक्त मेरे एक दोस्त हैं जो $2.5 लाख की सेल करते हैं एक महीने में ईबे पे, $2.5 लाख $250,000 ऑन द एवरेज, कभी मतलब 240 भी होती है, कभी 280 भी होती है, ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल है इसके अंदर, बाकी जारी सी बात है वो तो फिर आपने खुद ही करना है। तो कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका? जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। परवेज सदीकी साहब, असल में आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपसे बातचीत करते हुए बाजू का तो जरा सामने आई कांटेक्ट करता हूँ, मुझे असल में कहते हैं मेरे एक टीम मेंबर असिस्ट कर रहे हैं इन सारी चीजों में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के साथ, आप खैरियत से? सर मैं और मेरा बेटा जो है वो काम कर रहे हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल पे भी, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो ईबे के वाले से भी कर रहे हैं। ईबे यूके में हमारा अकाउंट है, तो अकाउंट काफी पुराना है, तो 1000 लिस्टिंग तक उसमें वो है को गुंजाइश, आई डोंट नो, मैं शायद गलत कह रहा हूँ ये ठीक। तो मुझे थोड़ा से चीजें मतलब एक अकाउंट हेल्थ के बारे में थोड़े से सर बता देंगे, अकाउंट हेल्थ के बारे में क्या क्या चीजें को मद्देनजर रखा जाता है अकाउंट? हाँ, उसमें भाई साहब ऐसे कि मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता देता हूँ और वैसे आपने ये कर लेना है कि जो भी हमने ग्रुप के मीडिया सेक्शन से वीडियोस शिफ्ट की हैं अभी यूट्यूब चैनल पे ना, तो उसमें कस्टमर सपोर्ट और अकाउंट हेल्थ के हवाले से एक वीडियो होगी हसन गरेवाल साहब की, वो कहते हैं मेरे कहते हैं मैनेजर हैं बेसिकली, तो उनकी आपने वो वीडियो देख लेनी है, उसमें ना आपको काफी बेटर आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा, मोटी सी चीज ये है कि ना आपके जो हेल्थ मैट्रिसेस हैं उसमें आपका एक तो जो ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट जो है आपका, ठीक है, यानी कि आपके अगर कभी कोई केस ओपन होता है तो उसकी रेजोल्यूशन आपने खुद से ही कर लेनी है, वो ईबे तक एस्केलेट ना हो, इस चीज का आपने कहते हैं ख्याल रखना है, ठीक है। आपका ना आपने अगर कोई डिलीवरी नहीं की ड्यू टू के आपका जो आइटम था वो आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है, ये रीजन आपने कभी नहीं देनी किसी बायर को कि दी मेरा आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मैं इस वजह से आपको डिलीवर नहीं करा, आप उसकी कोई और रीजन दे सकते हैं, कोई और मुनासिब सी रीजन। इसके अलावा आपके जो शिपमेंट है आपका लेट शिपमेंट रेट आपका कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो आपके हैंडलिंग टाइम होता है वो आपने 1 डे 2 डे या 3 डे जो भी रखा हुआ है उस हैंडलिंग टाइम के अंदर अंदर आपके शिपमेंट यानी कि मार्केट शिफ्ट हो जाना चाहिए आपका, और जो आपका डिलीवरी टाइम है उस डिलीवरी टाइम के अंदर अंदर कस्टमर तक पहुंच जाए, और अगर नहीं पहुंच रहा तो आप कस्टमर को इंगेज करें ताकि वो कोई मतलब कोई केस ओपन ना करे या कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक ना दे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है, ना तो आपको न्यूट्रल चाहिए होता है और ना आपको नेगेटिव चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप यानी कि यूएस के अंदर सेल्स कर रहे हैं तो फिर आपका एक और हेल्थ मैट्रिक्स भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग वैलिडेटेड, यानी कि ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम एंड वैलिडेटेड, ठीक है। तो बहरहाल इन चीज़ों को अपने ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है, और ये कि आपका कभी किसी कस्टमर का मैसेज आ गया तो कस्टमर को आपने इंगेज रखना है, ठीक है, वो बस आपका आगे आगे पीछे ना हो। बाकी बात फिर वही है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, तो सिस्टम को जानिए, सिस्टम को ग्रिप करें, यानी कि एक सिस्टम है वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जब मर्जी जैसे मर्जी जहां मर्जी बैठ के काम करें, और ये स्केलेबिलिटी देता है कि आप एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज को छोड़ देना आप काम कर सकें, और उस पे लोग इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की कहते हैं सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाई नॉट टू लर्न दैट, मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन द बिजनेस इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ऊपर इन्वेस्ट कर लिया और माशाल्लाह से जैसे आपने बताया कि मतलब ये तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप और आपका बेटा दोनों माशाल्लाह से कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर है, तो ये तो बड़ी आप कह लें कि खुशकिस्मत बात है, ये तो कहते हैं आपका घर का बिजनेस हो गया, 59 ईयर एज है सर मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त बड़ी बात है। मैं अभी यानी कि 38 में हूँ और जब मुझे फेसबुक पे आना पड़ा, वैसे यानी कि मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन आज से एक डेढ़ साल पहले जब मुझे फेसबुक बकायदा यूज करनी शुरू करनी पड़ी अपने यही ई कॉमर्स वगैरह के हवाले से और बाकी मामले के हवाले से, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे फेसबुक यूज करने में, 9 ईयर्स में आप अगर ये कर रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज है, बस सर दुआएं आपकी। अच्छा सर एक चीज और, रैंकिंग के हवाले से हमें क्या कुछ इसमें कर सकते हैं? आपको बताया कि जैसे अमेज़न में तो फिर रैंकिंग में तो ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग है, तो
यहाँ पे कहते हैं आपकी हाँ जी यहाँ पे आपकी नहीं होती, ब्लडिंग नहीं होती, मतलब बहुत कम, जो एक अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो अभी तक हमारी सेल है, जो हमें तो कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लीडिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि वो जो प्रमोटेड लिस्टिंग का आप एक एड लगा देते हैं और वो भी कहते कोई अमेज़न पीपीसी की तरह क्लिक के ऊपर चार्ज नहीं करता, वो अगर सेल्स नुकसान नहीं है। हाँ जी हाँ जी, तो वो पीपीसी तो खा जाती ना आपको, कहते हैं वो आपके एक कॉस्ट जाए। तो सर बहुत बिल्कुल मैं सर 2018 से एक सम के सनी भाई का स्टूडेंट हूँ, मुझे पर्सनली वो जानते भी हैं उसे, तो काफी खैर हमने उसमें सीखा है उसमें, ठीक है, लेकिन अभी तक भी सीख ही रहे हैं सर, सही से। तो कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं। अच्छा सर एक थोड़ा सा बेसिक सा, मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। अच्छा सर एक जो होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है सर? राइट, इसमें एक तो ना कहते हैं आपने यानी कि मेरी पोस्ट देख ली नहीं है ग्रुप को, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ उस पर जाके, ठीक है, वो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग लिख लेंगे तो वो डिटेल भी चीज सामने आ जाएगी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली होता है कि आप किसी ऑनलाइन रिटेलर से कोई चीज परचेज करके आप अपने किसी यानी कि जो आपकी मार्केट प्लेस है, ठीक है, उसका ऑर्डर फुलफिल कर, ठीक है। ईबे कहता है, इवन अमेज़न कहता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपका जो ड्रॉप शिपिंग तो दैट्स एम किसी भी उसमें, जी 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 सर फॉर्म है। हां जी, ड्रॉप शिपिंग में ये है कि ना वो जो स्टॉक है वो कहीं किसी वेयर हाउस में किसी होलसेलर के पास या किसी के पास पड़ा हुआ है, जब ऑर्डर आया है तो वो आपके बिहाफ पे शिप कर रहे हैं और आपका यानी कि आप कहने के शिप फॉर्म में आपका नाम लिखा आ रहा है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो है ना कि वो अमेज़न के बॉक्स में था, उसके अंदर ही हमने भेज दिया, ठीक है, तो ये होता है मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज में। सिंपलेस्ट अगर हम बात करें तो, वरना इसमें कुछ और टेक्निकल डिटेल नहीं। अच्छा सर ये जो कीपा है ये Amazon आर्बिट्राज के साथ तक हेल्पफुल होता है? हाँ जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना इसका डिटेल आंसर आपको मिलेगा, आपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे आपने जब आप प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल इसकी सारी समझ आ जाएगी। मोटी सी बात ये है कि जब आपने Amazon से eBay पे ऑनलाइन आर्बिट्राज आपने करनी है तो कीपा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये बताने में कि ये जो आप आइटम लिस्ट करने लगे हैं अमेजोन से देख के तो क्या ये रेगुलरली आउट ऑफ स्टॉक जाता रहता है, इसकी प्राइसिंग स्टेबल है, इसकी प्राइसिंग स्टेबल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट मैंने करनी है या नहीं, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है उसमें कीपा को एक बड़ी इम्पोर्टेंट हैसियत हासिल है। सर थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया सर, आपके पीएल की लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला उसे बेपनाह चलाए उसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुदस्सर साहब आपका कहते हैं कनेक्शन आउट हो गया था। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, खैरियत से? जी 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 अल्लाह का शुक्र। अच्छा मतलब सर आपने पहले एक क्वेश्चन करना है उसका आंसर लेना है फिर अगला क्वेश्चन करना है आपने। अच्छा मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, आई एम नॉट फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, तो स्कूल्स वगैरह आजकल आपको पता है बाहर दोबारा बंद हो गए, तो हां जी आई वाज Like, I'm a beginner for e-commerce. अच्छा, आपकी आवाज इको कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आप शायद मोबाइल से और किसी और दो डिवाइस से आप लॉग इन है इस वक्त? नहीं मैं लैपटॉप से ही हूं। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज इको कर रही है, मैं चेक करूं। जी अब बात कीजिएगा, अभी ठीक है कुछ आवाज? हाँ जी कुछ बेहतर है। अच्छा मैं मतलब I'm a beginner in Amazon as well as iske liye aap pe eBay pe, so I need your guidance how the thing should be started. Aapke group mein main nahi aayi, especially dharni ke days mein mujhe aapka advertisement nazar aayi thi, lekin wo
due to the law and order that was not joined. Sorry. उसमें आपने ना अभी स्टार्ट में ये करना है कि ग्रुप में मेरी जितनी पोस्ट हैं उन्हें आपने स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है, और जो भी कोई कमेंट्स उसके नीचे हैं वो आपने देखने हैं। सेकंड, आपने जो ग्रुप की वीडियोस जो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर चली गई वो आपने देखनी शुरू कर देनी है, जो खासी डिटेल्ड हैं उसमें एक एक स्टेप बताया जाता है, मतलब जिस भी चीज़ के हवाले से बताया जा रहा है उसका एक एक स्टेप कहते हैं आपको क्लियर किया जाता है, उस पर आपने थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है, उससे आपकी ना एक थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन गई है आपकी, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। असल में जो मेन जो लाइफ साइकिल है वो है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद आपकी कहते हैं ट्रैकिंग आईडी मैनेजमेंट और आपका कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, और हेल्थ मैट्रिसेस की मैनेजमेंट। तो ये चंद चीज़ें हैं, ये इसका एक एसेंशियल लाइफ साइकिल है। ऑब्वियसली इसमें और बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर जाएंगे SVR में, यानी कि सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी में, तो उसमें मोर देन 50 hours ऑफ eBay ट्रेनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस वीडियोस उसके अंदर कहते हैं मौजूद है। तो उससे भी आप कहते हैं आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। तो अब आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उनकी ऑलरेडी वो दो तीन है, जैसे एक वर्चुअल असिस्टेंट का चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और मतलब उसमें पेड जो ट्रेनिंग्स हैं, तो आपका कोई ऐसा भी कोई सेशन है? हाँ जी, आप ना कहते हैं हसन ग्रेवाल साहब जो हैं, आप उनके साथ इस हवाले से रابطہ कर लीजिएगा। वो बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो इंडक्शंस हैं वो उनको देखते हैं। उसमें मतलब आपके नॉलेज के लिए मैं वही दो चीज़ें बता दूँ, EBC 1-on-1 और EBC यानी कि eBay बिजनेस कोर्स के नाम से ना एक हमारा कोर्स होता है, राइट। उसमें मतलब एंट्री थोड़ी सी ज़रा चैलेंजिंग होती है, वो पत्नी आप उस क्राइटेरिया पे आएंगे, यानी वो आपने उनके साथ रब्ता कर लेना। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसमें नहीं भी आ पाते तो SVR जो है सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, तो उसमें खासी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, और यानी कि लाइव eBay इन्वायरमेंट में और लाइव मतलब एनवायरनमेंट के अंदर ना चीज़ें खासी डिटेल के अंदर बताई हुई, तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो ये कि बस आपने ना इस वक्त मतलब सिस्टम को सीखना है। इस वक्त इतना बड़ा गैप पड़ा हुआ है कि इस वक्त आप ये आप देख लें कि जो इस वक्त मेजर जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब भी इस वक्त अमेज़न बता रहे हैं, eBay अभी अगर कोई बता भी रहा है तो वो बहुत कम बता रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हर अमेजोन सेलर ईबे सेलर बन सकता है, हर अमेजोन सेलर, क्योंकि उसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ईबे की बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर आप इस सिस्टम को ग्रिप कर लेते हैं तो आपको पाकिस्तान से ही इतने सारे क्लाइंट्स मिल जाने, या आप अपना बिजनेस इसके ऊपर बिल्ड कर लेंगे तो गोरे क्लाइंट्स या बाहर का जो आपने अपना बिजनेस डेवलप करना है वो तो ऑब्वियसली बात है आप कर ही सकते हैं। तो मतलब इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट देन ऑन योर बिजनेस, तो ये आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अब आवाज ठीक है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप सुनिए, मतलब बहुत रिपीट हो रही। नहीं नहीं आज वो मैंने असल में माइक का वो जो इको है वो ऑन हुआ था। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, बीइंग आप माशाल्लाह एज अ ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, यू बिलोंग फ्रॉम Amazon, वुड यू एडवाइज, मतलब फॉर मी बोथ ट्रैक्स आर न्यू, किसको फिर बेहतर है कि आई शुड कंसंट्रेट ऑन? आप ये जो भी हमारा मीटअप स्टार्ट हुआ था, ये जब स्टार्ट में जो मैंने प्रेजेंटेशन भी डिस्कस की थी, अब वो आपने देखी थी? मैं 10 मिनट लेट था, 15:15 मैंने ज्वाइन किया। सही, चलें, वो तो फिर तो आपने वाली चीज देख ली होगी जिसमें मैंने वाली चीज कही थी कि BMW 7 सीरीज मैंने ज्वाइन वहां से किया, बिल्कुल देखा। तो उसमें ये है कि देखें, हर एक e-commerce प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, Amazon भी बहुत अच्छा है, Amazon PL बहुत अच्छा है, Amazon Wholesale FBA बहुत अच्छा है, having your own Shopify e-commerce website ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप freelancing वाली साइट पे आप जा सकते हैं, मतलब लेकिन हर चीज़ के अंदर ना आप कि अगर अगर आपकी वो कैपेसिटी है तो आप उसके अंदर ज़रूर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग योर ऑन वेबसाइट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, राइट। लेकिन क्या 5 crore हैं आपके पास? हैं तो जाएं, नहीं है यानी ऐसे 5 crore के जो सारे खत्म भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो, वो ले 5 crore की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप आ जाए Amazon FBA PL में ना,
अब एक पीएल करने के लिए कि क्या $25,000 हैं, कि अगर वो $25,000 के बाद अगर आपको 50,000 तक जाना पड़ जाए और वो फिर एड दिन अगर वो 50,000 सारा जीरो भी हो जाए, अगर तो आप ये झटका बर्दाश्त कर सकते हैं तो गो फॉर अमेजोन FBA पीएल, और अगर आप झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर ना जाएं, ठीक हो गया? क्योंकि ना पीएल के अंदर वे बैक नहीं होता, पीएल के अंदर आपने उसको सक्सेसफुल करना है या सक्सेसफुल करना है, या क्योंकि लेबल आपके अपने नाम का है, वो प्राइवेट लेबल अपने नाम का है, फिर जो भी है आप बेयर करेंगे जिस तरह प्राइवेट बिजनेस की तरह। नहीं नहीं मतलब वो तो एक चीज है ना, असल में ना आपका वो जो पीएल होता है उसमें ऐसा नहीं है कि यार चलो थोड़ी सी कम सेल्स आ रही है या अभी हम रेडी रोक दें या अभी हम इसके ऊपर पीपीसी ना चलाएं या मजीद इन्वेस्टमेंट्स ना करें या फ्री गिवअवेज ना दें, राइट? उसमें ऐसा नहीं होता, उसको आपने सक्सेसफुल करना होता है या फिर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके रुक जाता है और कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता आपको या मतलब रैंकिंग्स आपकी कहते हैं ड्रॉप हो जाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब कब सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द ईवे, ठीक है? ईवे पे सिर्फ ग्रिप करें, इसे सीखें। इस वक्त इसका इतना बड़ा गैप है, आप अगर कभी उस पर जाए ना अब वक्त पे, तो जितनी जॉब्स अमेजोन की आ रही होती हैं उतनी ही ईबे की, बल्कि बाज़ का उससे ज्यादा आ रही होती है, बाज़ का उससे थोड़ी सी कम भी आ रही होती है। अच्छा, ईबे की जॉब्स आमतौर पर लॉन्ग टर्म होती हैं, अमेजोन की जॉब्स आमतौर पर लॉन्ग टर्म नहीं होती। हाँ, अमेजोन की जॉब आमतौर पर थोड़ी सी हाईली पेड होती है, ईबे की इतनी हाईली पेड नहीं होती, लेकिन ईबे की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ये तो मैंने बात की इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज अगर आपने किसी को देनी हो सीखने के बाद, लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस बिल्ड करना है ईबे पे तो दैट्स ग्रेट, और अगर आपने ये दोनों चीजें साथ लेके चलनी है तो वो तो फिर और ज्यादा जबरदस्त है। इस तक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यानी कि सर्विसेज भी दे रहे हैं और कहते हैं अपना काम फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, मतलब लाइक अ वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज एप्रोप्रिएट इनिशियली, ये वीडियोस वगैरह को देख के या कोई ट्रेनिंग सेशन जो ज्वाइन कर लें। इस वक्त आपने सिर्फ सीखना है, आप सीखें और दो महीने का अपना कहते हैं टारगेट बनाएं कि जी 60 डेज के अंदर मैंने इस सारे सिस्टम को, कहते हैं सारे सिस्टम से मुराद ये कि जो मोस्ट एसेंशियल जो बेसिकली इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो जो चीज़ें आपको सीखनी है वो कहते हैं आपने ग्रिप करनी है। अब अगर आप सुपरवाइज लर्निंग की आप अगर बात कर रहे हैं या यानी कि जो हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, क्योंकि अभी हमारा ये जो मीटअप जो था ये तो एक हमारी जनरल डिस्कशन वगैरह के हवाले से था, लेकिन आप अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आना चाहते हैं तो आप हसान ग्रेवाल जो हैं उनका कहते हैं प्रोफाइल लिंक जो है वो चैट के अंदर है, आप उनके साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें EBC 1-on-1 या EBC कहते हैं हमारा कोर्स है, उसमें ये कि आपको यानी कि 2 months के अंदर मतलब वीक में 4 days आपके कितने लेक्चर्स होते हैं, खास एक्सटेंसिव लेक्चर्स होते हैं और प्रैक्टिस सेशन होते हैं लाइव ईबे के अंदर, और उसके बाद यानी कि हमारी मेंटरीज US के अंदर पड़ी हुई होती हैं उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाती है कि आप उसे सेल कर सकें, आप मतलब कब सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर। तो मतलब आप चीज़ों को सीखें पहले, ग्रिप करें, क्योंकि अमेजोन में आप किसी भी शेप में आप जाएंगे ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ज्यादा या कम लेकिन करनी पड़ेगी। ईबे में भी सॉरी आपकी बात इंटरप्ट की, आप कर लें कंप्लीट बात। हाँ जी, ईबे में आप अगर हमारे EBC कोर्स के थ्रू आते हैं तो आपको अपनी अकाउंट हेल्थ बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपके लिए अच्छा फायदा हो जाता है, नहीं भी करना चाहें तभी आप Amazon का मैंने 24 अक्टूबर को ना एक सेमिनार भी अटेंड किया था सेरिना में जो हुआ था साकिब साहब का, तो उसमें वी लिसन इन दैट सेमिनार के देयर इज अ अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री, लाइक अगर UK है या वहां पे कोई आपका रेजिडेंट होना जरूरी है, तो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट इन ईबे एज वेल के कोई रिलेटिव या कोई और आपको दोस्त या कोई ऐसा बंदा जरूरी है, प्रेफरेबली होना बेहतर है, बाद में बेशक वो रिजाइन कर देता है और वो ट्रांसफर कर देता है आपके नाम पे जो भी आपकी अपनी प्रोडक्ट है जो है। यानी उसमें ना कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग ईबे अलाउ करता है कि आप पाकिस्तान से अकाउंट बना लें, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पाकिस्तान से बने हुए अकाउंट्स ज्यादा अरसा नहीं चलते, सस्पेंड हो जाते। अभी आपने वो सियालकोट वाले भाई को ही आंसर भी किया। हाँ जी बिल्कुल 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 ऐसा। अच्छा, अब आप अगर पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल अकाउंट बना लिया और वो चलता भी है तो तब भी आपको पेपॉल तो पाकिस्तान में नहीं है तो आपको कहते हैं पेपॉल चाहिए होता है आपको। अच्छा, अब ये क्या ना आपको किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर बेहतर है कि वहां से आप अपना ईबे अकाउंट बनाएंगे और आपका कोई ना कोई दोस्त कोई दोस्त का दोस्त कोई रिश्तेदार कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा कि जो आपका भाई कहीं बैठा हुआ, ठीक हो गया? और ईबे अकाउंट को रजिस्टर्ड करना चूंकि अमेजोन की तरह इतना चैलेंजिंग नहीं है,
तो नॉर्मली बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं कि जी ठीक है जी, आप हमारा जो ईबे है और ये पेपॉल ऐप से यूज कर लें। और फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी नहीं बैठा हुआ, अगर आपने सिस्टम पे ग्रिप ले ली है तो इस वक्त एम्पावर्ड ग्रुप के अंदर इस वक्त हमारे समंदर पार पाकिस्तानी जो है काफी सारे भाई बहने वो कह रहे हैं कि जी हमें एक्सपर्ट बंदे चाहिए। ठीक हो गया। और अभी यानी कि मेरे ख्याल में पिछले 1 महीने के अंदर कोई 3-4 पार्टनरशिप्स हुई हैं समंदर पार पाकिस्तानी और हमारे ईबीसी स्टूडेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बात हम सिर्फ रिकमेंड उन्हें ही कर सकते हैं क्योंकि हमें बाकी जो लोग ग्रुप में होते हैं जो ईबे पे सेल्स कर रहे होते हैं हमें उनका आइडिया नहीं होता कि उनका स्किल लेवल क्या है उनका ना, तो इस वजह से हम उन्हें कहीं पर रेफर नहीं कर सकते हैं। तो ये है मतलब वजह उसमें। मतलब मैं अभी आजकल आपको आई बिलोंग फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स आर ऑलरेडी शट डाउन एज ऑफ, आपको खबर आज बिल्कुल बिल्कुल कल 2 दिन पहले बिल्कुल इजलास हुए, तो बिल्कुल आई कैन गिव अ टाइम। मैं खुद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मैनेजमेंट साइड पे हूँ, तो आजकल वेकेशन ही हमें होगी हमारा फॉर टिल जनवरी, तो अगर इसको रेगुलरली लेके चला जाए 1 मंथ इज सफिशिएंट, इसको फुल टाइम दिया जाए हाँ जी। उसमें एक आप फॉर एग्जांपल अगर ईवीसी में आते हैं तो फिर तो वो एक यानी कि 2 मंथ का है कोर्स, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी तो 1 महीना तो आप उसके अंदर लग के प्रैक्टिस करें ना आप। ठीक हो गया। और जब उसके बाद ये जो टाइम होगा उसमें आपने यानी कि रात 9 से 10 बजे या 9:30 से 10:30 बजे तक होती है क्लास, वो आप मतलब बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है उसका। बस पॉइंट ये है कि इसको बस सीखें और ग्रिप करें, सीखें और ग्रिप करें, और इसका बहुत बड़ा मतलब गैप फ्री पड़ा हुआ है इसका ईवे का। सर, और आखिरी चीज, आप ऑलरेडी वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस सेशन एंड स्पेशली द टाइम, आपने तमाम चीजों को बड़ा वेल रिस्पोंडेड किया। आई बिल्कुल डू अप्रिशिएट योर जेस्चर एंड योर पॉजिटिविटी, हाउ यू थिंक फॉर द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लास्ट क्वेश्चन, ये इसका ये दराज है जी। तो अली एक्सप्रेस या अली बाबा के ऊपर भी कोई आपका कोई है इस पे कोई आगे फ्यूचर, क्या अली बाबा और अली एक्सप्रेस बड़े जाएंगे यही सब काम भी, वो भी ई कॉमर्स जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी एस सच, मतलब मैंने अपने तौर पर ऑनलाइन ही सर्च किया तो देर आर नो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल लाइक अमेजोन या ईबे की तरह। आप ना उन मार्केट प्लेसेस पे जा सकते हैं, लेकिन उनका जो मेजर जो उनका शेयर है ना वो उनके चाइना से ही आता है। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड ये है कि ना आप किसी चाइनीज सेलर के साथ कम्पीट करना आपके लिए खासा चैलेंजिंग होता है, एज लॉन्ग एज कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि जो चाइनीज सेल नहीं कर रहे या चाइनीज जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन्हें महंगी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, और यूरोप यूएस वगैरह के अंदर अभी अली एक्सप्रेस का या का ना अभी इतना शेयर है नहीं, क्योंकि आपने नॉर्मली जाना है B2C साइट्स पे ना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो फिर तो आप B2B पे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली बाबा पे आप जा सकते हैं। अच्छा, अब अमेरिका को हम जितना मर्जी मुर्दाबाद कह दें तो उसकी हम जो मर्जी बुराइयां कर लें, बट अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये हमें मानना पड़ेगा ये हमें ना। एग्री, यानी कि इस वक्त आप किसी गोरे को अलाउ नहीं करते कि वो अपने कंट्री से बैठ के पाकिस्तान में कंपनी बना ले। अमेरिका अलाउ करता है कि मुदस्सिर साहब आप पाकिस्तान से बैठे हुए आप अमेरिका में कंपनी बना सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट, बिजनेस चला सकते हैं आप अगर मतलब अमेरिका आते हैं। ठीक है, आप नहीं भी आते तो आप वहां से बैठ, मतलब अपॉर्चुनिटीज है ना वहां पे। और ईबे का जो बेहतरीन बिजनेस आपको मिलता है अमेरिका के अंदर मिलता है, फिर यूके है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी है, फिर और भी कंट्रीज हैं, लेकिन बेहतरीन बिजनेस आपको मिलना है अमेरिका के अंदर। अमेरिका मुर्दाबाद अपनी जगह पे, लेकिन वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो आप ये कि आपको अगर वहां से कोई 2-3 क्लाइंट्स ही मिल गए और आप इतने एक्सपर्ट हुए, आपके सिस्टम के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप हुई, तो अपना बिजनेस भी साथ चलाएं और साथ में यानी कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट असिस्ट करते रहे। वर्चुअल असिस्टेंट तो हम अपने जो हमारे ईबीसी स्टूडेंट्स है ना उन्हें तो हम कहते हैं कि खबरदार, जो अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड भी यूज किया हम कहते हैं यू आर कंसल्टेंट, यू आर कंसल्टेंट। ओके ओके, राइट। सॉरी, आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम दिस टर्म ऑन ईवे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब असल में ये जो टर्म है ये एम्पावर्स की है, क्योंकि अभी तो एक ये मतलब थोड़ा सा एक सेशन था ये, तो अभी तो हम इंशाल्लाह यानी कि बहुत सारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल में ट्रेनिंग्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें एक चीज आखिरी आपसे ये करूंगा कि ईबे भी यूज चीजों के भी एड्स अक्सर हम देखते रहते हैं रिगार्डिंग कोई भी ऑटोमेटेड पार्ट हो, कुछ हो, हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं तो ईबे के लिंक भी निकल आते हैं, तो क्या पर्सनली भी लोगों ने लिस्ट आउट चीजें की होती है ओएलएक्स ओवरसीज यूके वगैरह में इधर उधर?
हाँ नहीं ये ना फ्लेक्सिबल साइट है OLX की तरह आपको न्यू आइटम्स और वो सारी चीजें भी देता है और ईबे आपको यूज आइटम्स और ऑक्शंस वगैरह के भी आपने एक बेस प्राइस लगा दी अभी एक अभी जिसने कहते हैं बिडिंग में हिस्सा लेना है वो कहते हैं ले और जो बंदा बिड विन कर जाता है तो 24 आवर्स के अंदर पेमेंट करके अपनी चीज ले ले तो ईबे खासा फ्लेक्सिबल है लेकिन ईबे पे 81% या 82% न्यू आइटम्स सेल होते हैं बट इट वाज स्टार्टेड एज एन ऑक्शन साइट स्टार्टेड मतलब बैक इन 1995 तो बहुत फ्लेक्सिबल है ईबे और 108 बिलियन डॉलर में से आप देख लें आपने $1,00,000 लेना है साल का $2,00,000 लेना है $3,00,000 लेना है $10,000 लेना है मतलब स्पेस मौजूद है अब डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं कितना सीखा है कैसे काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपके नसीब कितने अच्छे हैं तो मैं इन ये जो लिंक्स हैं ग्रुप में इनमें से फिर मैं हसान साहब से रब्ता कर लूं फॉर द ट्रेनिंग हाँ जी हसान ग्रेवाल जो है उनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ठीक हो गया सर Sir, really nice to talk you and stay blessed. Allah Taala aapko kamyabi de aur sarkaru kare aapke mission mein and for all the Pakistanis. Aakhri ek jo question mind mein closing question tha ki deliveries ke point of view se Amazon ke bare mein jaise hum jiske bhi muh se sune they have a very good remarks. So deliveries ke lihaz se how eBay is in the feedback. Matlab jo deliveries wala deliver hoti hain ya jo matlab how the package is delivered to the customer uski ranking kya hai ebay ki amazon se agar compare kare haan ji usme na ye cheez amazon aur ebay ki barabar hi hai takriban wo isliye ke agar for example aap seller hain aur aapne agar shipments late ki hain ya aapne shipments theek nahi bheji ya aapne customers ko thoda sa kehte hain matlab sahi tarike se service nahi di to agar aapka wo jo transaction defect rate 3% se wo upar gaya to aap टॉप रेटेड नहीं रह सकते और वही आपका 5% मेरा ख्याल है या कोई थोड़ा इससे ऊपर नीचे तो आप बिलो स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो बिलो स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो फिर आपको सेल्स बहुत ज़्यादा कम आती हैं आपको तो वो तो पेनल्टी सिस्टम यहाँ पे भी है इसका क्या आप अगर आप अप टू डेट रहते हैं सारी चीज़ें ठीक रख के चलते हैं सारी चीज़ें इन टाइम हो रही होती हैं तो आपके पास बिजनेस आ रहा होता है वरना आपके पास बिजनेस नहीं आता आपके पास और फिर आप सस्पेंड भी हो जाते हैं जैसे अमेज़न के कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वैसे इसके भी हैं स्ट्रिक्ट रूल्स ना इसके वालेकुम अस्सलाम जी मिदत कैसे हैं आप खैरियत से जी आप ठीक है सर जी जी अल्लाह का शुक्र सर मैं न्यू मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो ईबे पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और यूके बेस्ड और यूएसए में क्या डिफरेंस है अकाउंट में सही हो गया आप पाकिस्तान बेस्ड हैं या ओवरसीज हैं पाकिस्तान बेस्ड ठीक हो गया अच्छा उसमें इस तरह से है कि जो अकाउंट क्रिएशन है ना इसकी अकाउंट क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन के वाले से तो हम कोई वीडियो चलें अकाउंट क्रिएशन में ना जैसे आप कोई जीमेल अकाउंट बनाती हैं या कुछ भी ऐसा है तो इसके अकाउंट क्रिएशन भी ना तकरीबन उसी तरीके से हो रही होती है लेकिन बस इसमें आपने जो अपनी डिटेल्स दे रही होती हैं या जो आपने शेयर करनी होती है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई अपना एड्रेस दिया है आपने अपना कहते हैं नाम दिया है इसमें ठीक है या आपने अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया है कोई भी ऐसी चीज़ है वो किसी भी तरीके से वेरीफाइबल होनी चाहिए वेरीफाइबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि किसी भी टाइम में मतलब आज से महीने बाद साल बाद छः माह बाद एक माह बाद किसी भी वजह से अगर ईबे आपसे कहे कि जी मुझे अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस भेजो तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोई ऐसी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट यूटिलिटी बिल या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम मैंशन हो ठीक हो गया और इसी तरीके से अगर वो कहता है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दो तो आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिसमें आप जिसके थ्रू शो कर सकें कि जी मैं ये हूँ ठीक हो गया तो आपकी कहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और इसी तरीके से आप कहते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका
और फिर जो पे पॉल आपने इसके साथ कहते हैं यूज करना है, वो पे पॉल आपका वो होना चाहिए जो पहले कभी किसी भी सस्पेंडेड ईबे अकाउंट के साथ यूज ना हुआ हो, बल्कि अभी कोई भी डिटेल जो है वो किसी भी सस्पेंडेड ईबे अकाउंट के साथ यूज नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हो आप, आई मीन ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, हाँ जी, और आप फिर अकाउंट सेक्शन में आपने जाके अपना पेपल वगैरह अटैच कर देना तो आप सारे बन जाते हैं। यूके और यूएसए में डिस्टेंस अकाउंट में, हाँ जी हाँ जी, यूके और यूएस के अंदर ये है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है दैट इज मतलब 33 करोड़ है, इट मीन्स कि वहाँ की मार्केट प्लेस खासी बड़ी है, तकरीबन कोई 40% ऑफ द सेल्स ऑफ ईबे कम्स फ्रॉम यूएस अलोन, ठीक है। और यूके जो है उसकी आबादी 6 करोड़ है, तो आबादी के लिहाज से तो शायद यूके की जो सेल्स परसेंटेज ऑफ ईबे है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम यूएस के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली कहते हैं वहाँ की जो सेल्स हैं एज कम्पेयर टू यूएस कम है, लेकिन यूके एक अच्छी मार्केट प्लेस है, यूके ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये अच्छी मार्केट प्लेस है ईबे की। कोई क्वेश्चन नहीं अभी फिलहाल, नहीं क्योंकि स्टार्ट है अभी। आप शायद मिदत जो ईबीसी में जिनके अभी एनरोलमेंट हुई है वही आप जी, ईबे बिजनेस कोर्स में जी जी, सही सही सही, चलें फिर तो आप इंशाल्लाह 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आप सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत, बस आप ये कि टाइम स्पेयर करके आपने पूरी तवज्जो के साथ और जो जो असाइनमेंट्स आपके जिम्मे लगेंगी वो आपने करनी है इंशाल्लाह, आप सीख जाएंगे 2 महीने में इंशाल्लाह। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। नेक्स्ट उस्मान, उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन था मेरे क्लाइंट के बारे में। जी जी, वो ना पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जर्मनी में वो रहते हैं और वहाँ पे बेच रहे हैं, और असल में वो उनका स्टोर था तो वो कोरोना की वजह से ऑफ हो गया, तो उनके पास 30-40,000 यूरो की इन्वेंट्री पड़ी है उसमें तो अब वो खाली कर, वो मतलब बेचना चाह रहे हैं उसे, किस तरह के वो स्टॉक निकल जाए, तो वो हमें पूछ रहे थे कि अमेजोन पे कर लें, तो इसलिए हमने उसे ये मशवरा दिया कि इस पे तो हर एक बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो सारी रैंक नहीं कर सकेंगे, इसके लिए बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा रैंकिंग के लिए, तो इसके बारे में एडवाइस लेनी थी, ईबे क्या बेस्ट है कि हम ईबे जर्मनी की मार्केट में अगर वो लिस्टिंग कर दें सारी तो वहाँ पे वो स्टॉक निकल सकते हैं। उस्मान उसमें मेरे ख्याल में शायद आपने पोस्ट भी की थी इसके हवाले से ग्रुप में, बेहतरीन तो यही है कि अगर उन प्रोडक्ट्स की जर्मनी के मार्केट में अगर उसकी डिमांड है तो आप ईवे पे लिस्ट करें थोड़ी सी बेहतर प्राइस पे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी जो सेल्स हैं ईवे जर्मनी में ही हो जाएंगी। सेकेंड ये है कि आपकी ना यानी कि यूके में उसकी सेल्स अच्छी आ सकती थी, लेकिन ब्रेक्जिट में खैर में इंप्लीमेंट होने में 1 महीना रह गया सारा, तो शायद आप यूके की मार्केट को शायद इतना टैप ना कर सकें। अब ये कि जर्मनी में आपने वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर अगर वो जर्मन लैंग्वेज वाला अगर बैरियर आप मैनेज कर सकते हो तो बहुत ज़बरदस्त है, आप वहाँ पे लिस्ट करो और होपफुली आप इंशाल्लाह अच्छी सेल्स उठा लोगे, अगर उसकी डिमांड अगर उन प्रोडक्ट्स की जर्मन मार्केट में अगर है ना डिमांड तो ईबे से इंशाल्लाह आपको सेल्स आएंगी। आप वो यानी कि ऑलरेडी वो फिजिकल स्टोर्स के ऊपर सेल कर रहे थे क्लाइंट, अपना फिजिकल स्टोर है, अपना फिजिकल स्टोर है उनका जी, वो वहां पे ठीक है ठीक है, तो वो ईबे आजकल ना वैसे भी इंडिविजुअल सेलर्स हैं, यानी कि ये जो पेंडेमिक की वजह से अब उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहा है, और मगर वैसे इंडिविजुअल सेलर अगर उसे कहते सेल करेंगे तो इंशाल्लाह कहते सेल्स मिलेंगी उन्हें, बिजनेसेस को तो खैर करता ही है नहीं। उसमें दो के आप इनकी चैट के साथ बात करके स्पोर्ट पे बात करके या कॉल पे बात करके आप
अपनी जो लिमिट्स हैं थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ईबे पे इस वक्त 25 मिलियन सेलर्स है ना, तो हर बंदे को यानी कि उनका जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, अगर उसने कोई फ्लैग रेज कर दिया तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो उसमें ये है कि बजाय इसके कि अकाउंट बिल्कुल ही बंद हो जाए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ग्रो कर लेना उसे। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि वो मल्टीपल अकाउंट्स अरेंज कर लें, कोई 2-3 अकाउंट्स हो, 4 अकाउंट्स हो, और अगर उन्हें कोई थोड़ा अच्छी हेल्थ का कहते हैं अकाउंट मिल जाता है जर्मनी का, किसी दोस्त का, कोई उनके हमसाये का, किसी पार्टनर का, तो वो अकाउंट कहते हैं अरेंज कर लें, वो आपके साथ शेयर कर लें। ठीक है। आप ना बरल कोशिश ये करो कि आप इस चीज को करो, क्योंकि जर्मन मार्केट ईबे की एक अच्छी मार्केट है और होपफुली मतलब उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी इसमें इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट है फैसल गोंदल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली मैं मैन्युफैक्चरर हूँ सियालकोट से। तो सर ड्यूरिंग पेंडेमिक COVID-19 आई वांट टू मूव माय बिजनेस इनटू ई-कॉमर्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव नो मामू चाचू इन डेवलपिंग कंट्री लाइक US, UK, etc. बट आई वांट टू ओपन एंड सेल माय प्रोडक्ट ई-कॉमर्स लाइक ईबे। तो सर क्या मैं वर्चुअल एड्रेस बाय करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ? नहीं, उस पर आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपका कहते हैं अकाउंट ही जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे नहीं होगा तो आप कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप सियालकोट से हैं, तो मतलब एक बंदा सियालकोट से हो और उसका कोई मामू चाचू बाहर ना हो, अगर वो नहीं है कोई ना कोई आपके दोस्त जानने वाला, मतलब सियालकोट तो एक एक्सपोर्टर्स हैं तो उनके तो मतलब होते हैं लिंक्स, कोई ना कोई ताल्लुक, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लेकिन आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, एक बात। सेकेंड ये है कि अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं, और अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस वक्त ना सिर्फ इस सिस्टम को सीखें और ग्रिप करें इसे। जैसे मैंने वाली बात मतलब वो एक वाकया जो भी डिस्कस किया था, अगर आपने सुना हो कि उसमें वो एक बंदा था जो खुद मैन्युफैक्चरर है, US में उसका अपना वेयर हाउस है, उसका स्टाफ है जो चीज़ें शिप करता है सारी चीज़ें, उसके बावजूद उसका अकाउंट सस्पेंशन तक आ गया हुआ था। क्यों? उसने कहना सिस्टम पे ग्रिप नहीं थी उसकी, उसने ईबे सीखा नहीं हुआ था। तो आप ईबे को सीख लेंगे और आप खुद मैन्युफैक्चरर होंगे तो शायद बहुत सारे लोग तो आपके साथ अटैच होना चाहें कि भाई आप मैन्युफैक्चरर हो तो भाई मेरा अकाउंट हाजिर है, भाई आप भेजो इन्वेंट्री। ठीक है, तो बस इस वक्त करना आपको ये कि आपको ये सीखना पहले। तो आप वैसे फील्ड है क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग में? मार्शल आर्ट बॉक्सिंग और फिटनेस। ठीक हो गया, तो ये मतलब एक अच्छे आइटम्स हैं, इनकी US के अंदर मतलब काफ़ी अच्छे से अच्छी सेल होती हैं, बल्कि उस तरह वो US में तो वो जो बेल्ट्स होती हैं, क्या कहते हैं उसे, चैम्पियनशिप बेल्ट्स होती हैं? जी, वेट लिफ्टिंग में बेल्ट्स होती हैं, चैम्पियन बेल्ट होती हैं। हाँ, मतलब उसकी अच्छी खासी सेल है, तो आपके तो यानी कि काफ़ी सारे आइटम्स होंगे आपके, तो आपकी तो US में काफ़ी अच्छी सेल हो सकती हैं, UK में भी होंगी लेकिन US में आपकी काफ़ी अच्छी सेल हो सकती हैं। तो उसमें सिर्फ पॉइंट इस वक्त सिर्फ ये है कि आपको ईबे सीखना है, ईबे के ऊपर आप ग्रिप कर लेंगे तो आगे आपके सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई मैं कहता हूँ कोई मामू चाचू कोई भी नहीं बैठा हुआ ना, कोई अकाउंट भी नहीं है, तो अकाउंट्स खुद चल के आपके पास आएंगे। मतलब इस वक्त अभी तक एम्पावरर्स के ग्रुप के अंदर वो लोग के जो अकाउंट देना चाहते हैं वो ज़्यादा हैं, और जो अकाउंट लेने वाले हैं वो इस वक्त कम, लेकिन जो अकाउंट देना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें किसी एक तैयार सीखे हुए बंदे के साथ हम अपना अकाउंट शेयर करेंगे, क्योंकि अपना अकाउंट चाहते हैं कि चलता रहे उनका अकाउंट ना। तो ये पॉइंट है इस वक्त, तो आप सीखें इंशाल्लाह, आपकी कहते हैं ग्रिप बनेगी। यूट्यूब वीडियोस पड़ी हैं, उन्हें आप देखें या जिस भी तरीके से आप सीखना चाहते हैं। वो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना बार बार, कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ बिफोर यू इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस। ठीक है, तो आप तो मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, आप तो 3-4 बड़े आजमों में सेल्स कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हसन।
यार आपका नाम ही मुझे प्रोनाउंस होता है, नाल में या नीला में, क्या है आप? नाल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये पाकिस्तानी रिटेल्स पे जो अकाउंट्स होते हैं उसके रिलेटेड कि आपने बोला था कि ये सस्पेंड हो जाते हैं, तो मेरा हाई चांस करता हूं मैं, हाई चांसेस होते हैं कि ये सस्पेंड हो जाए, हाई चांस होते हैं। मेरा खुद का भी अकाउंट है, अभी मैंने बनाया था 3-4 महीने पहले, फिलहाल तो ठीक चल रहा है और माशाल्लाह से। अच्छा, जबरदस्त है यार। तो आप इस वक्त आपका बिजनेस मॉडल क्या है उस पे? बिजनेस मॉडल अभी तो मेरे पास कुछ फिजिकल आइटम्स हैं, वही मैं सेल कर रहा हूँ। फिजिकल आइटम्स आपके कहाँ पड़े हैं? यूएस, यूके? फिजिकल आइटम्स मेरी पड़ी हैं ये सियालकोट में, वहाँ से मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब आपको ऑर्डर आता है तो आप यहाँ से शिप करते हो? हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही जी। यूएस में यानी आपका जो फिजिकल स्टॉक है, यानी कि आपने अपनी आइटम लोकेशन पाकिस्तान दी होती है आपने? जी, वो पाकिस्तान दी होती है। तो माशाल्लाह से 2-3 ऑर्डर्स आ भी गए हैं, लेकिन जाहिर है वो रिस्की है, जैसे आप भी बोलते हैं कि वो रिस्की है, तो उसके लिए मैंने ना एक यूएस अकाउंट भी बना के रखा हुआ है, ताकि मैं अगर इधर सस्पेंड हो जाए तो मैं फिर उधर ट्रांसफर कर लूँ। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्यों इतना रिस्की क्यों है, या सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ पेपाल? नहीं, असल में ना हमारा इस वक्त जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है कि ना हम इस वक्त फैट ऑफ ग्रे लिस्ट लिस्टेड कंट्री है, हम जैसा कि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। ठीक है, अभी दुआ करें हम निकल जाए इससे। हम जैसे ही इससे निकलते हैं हम और जैसे ही कोई हमारे पास अच्छे पेमेंट गेटवेज आते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल पेपॉल भी अगर हमारे पास आ जाता है, तो फिर वो आप अनलॉक हो जाएंगे ना, फिर तो एकदम दुनिया देखेगी कि ये पाकिस्तानी को हुआ क्या है। ठीक है, ये एकदम से मतलब अभी तो इनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, तो इसके बावजूद इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री है। तो ये मतलब अभी इस तरह के हैं चैलेंज। इसके अलावा कुछ और भी हैं चीज़ें ना, कि अभी हमारे यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स स्टेट बैंक की तरफ से और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो इन चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से ना ईबे पे तो डेली पता नहीं कितने हजार के अब लाखों लोग रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और डेवलप कंट्रीज से अभी कितने ही लोग आ रहे हैं अभी, तो ईबे के पास तो वो इतनी सी ट्रैफिक है, तो ईबे कहता है कि यार ये मतलब क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसका अभी हमने क्या करना। अच्छा, अभी जो आपने पाकिस्तान से जो आपने अकाउंट बनाया है ना, तो आपने सब आइटम लोकेशन भी कहते हैं पाकिस्तान दी हुई है आपने। ठीक है, और आप शिप भी यहीं से आप कर रहे हैं, यहीं से आप अपलोड कर रहे हैं। जी जी, अगर आपने पाकिस्तान से बनाया होता और अगर आप इसको यूएस में सेल करते, या यूएस का कहते हैं आप शिपिंग मतलब आइटम लोकेशन आप देते, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद एक ऑर्डर भी आप ले पाते। ये जो आपका, हाँ जी, ये जो आपका मेथड है, इस पे कहते हैं मतलब इतनी ज्यादा सेल्स नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन अगर आपका आइटम ऐसा है कि वो अगर आपको अच्छी सेविंग्स दे रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे दे रहा है, तो ठीक है आप इसे चलाएं। प्रॉफिट्स हैं क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सारी सियालकोट से और उधर सस्ता ही मिल जाता है, बाकी शिपमेंट होती है, लेकिन DHL की तो काफी महंगी है, लेकिन मैं थोड़ी सी जरा चीप में जा रहा हूँ, थोड़ी चीप करवा रहा हूँ। तो मेरा बेसिकली ना मैं खुद नहीं कर रहा, मेरा उधर ही वो सप्लायर बैठा हुआ, वो खुद ही करवा देता है। पहले तो जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था ना, वो तो मुझे तकरीबन 6,000 की पड़ी थी, वो उसकी शिपमेंट, वो मुझसे ना गलती से वो हो गई, उसकी 1-8 days वाली ना, तो उसमें वो महंगा हो गया। लेकिन अब मैंने 11-23 days वाली की हुई है, उसमें मुझे 2 orders गए हैं, वो तकरीबन मुझे 1500 में वो 2 orders गए हैं मेरे। सही, 15 डिस्पैच जी, वो क्योंकि 2 quantities थी, वो एक ऑर्डर आई थी तो वो इकट्ठी ना, वो फिर 1500 में मेरे ख्याल, यानी कि ऑर्डर एक था, क्वांटिटी 2 थी बेसिकली। जी जी, सही, क्वांटिटी 2 थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा मेरे ना अब इसमें जो पेपाल है ना, जो पाकिस्तानी अकाउंट में और जो
जो है यूएसए अकाउंट सेम पेपाल लगा हुआ अटैच है, तो ये सेफ होगा? अगर ये सस्पेंड होता तो उसको भी इफेक्ट होगा? हाँ जी, नहीं बेपनेक्स में वो उसी वक्त बंद हो जाएगा, मतलब फिर उसका मैं पेपाल चेंज कर दूं यूएसए अकाउंट का? अब आप चेंज भी करेंगे ना तो तब भी चांसेस हैं कि आपका वो अकाउंट तब भी बंद हो जाएगा। ओके, कर लें आप, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि वो सही। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर मैं यूएसए में बेचता हूँ यही चीजें सेलिंग करता हूँ, उधर लिस्टिंग करता हूँ, पाकिस्तान लोकेशन दे सकता हूँ मैं जो प्रोडक्ट की जो लोकेशन हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दे सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। असल में ईबे की यही तो खूबसूरती है, कहते हैं आपने आइटम लोकेशन वियतनाम दे दी, आइटम लोकेशन आपने फिलिपाइन दे दी, आपने आइटम लोकेशन जहाँ से मर्जी कहते हैं आप मतलब शो करें। अगर बायर विलिंग है और आपका कहते हैं डेवलप कंट्री का अकाउंट है, तो असल में यही चीज में एम्पावर जो है वो बताना चाह रहा है लोगों को कि भाई ये बहुत हाईली फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, इसे अंडरस्टैंड करें और इसके 108 बिलियन डॉलर में कुछ अपना हिस्सा डालें। ठीक है ना? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है सर। बस यही क्वेश्चन। अच्छा एक और, कि मेरा वो जो यूएसए वाला अकाउंट है तकरीबन 1 मंथ पुराना हो गया, 1 मंथ, तो उसमें मैं साथ साथ अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज भी करूँ तो इट सेफ? 60 days to 90 days. और अभी आपने shipping labels भी कहते हैं within the eBay generate करें आप, ठीक है, stock products करें, तो उसके बाद क्योंकि अभी मैं इसमें इस account पे जो shipping label generate कर रहा था लेकिन वो मुझे allow नहीं कर रहा था, शायद कोई glitch था या कोई मसला चल रहा है आजकल, मैं shipping labels पे जा रहा था वो। जी जी काफी आ रही थी उसमें, DHL भी आ रही थी, काफी थी, अब मुझे याद नहीं है। मैं तो 11 टू 23 डेज वाली की थी मैंने सिलेक्ट। नहीं नहीं, आप आपने यानी कि जो शिपमेंट जो है वो विद इन द ईबे बाय की थी? विद इन द ईबे वो कैसे, मतलब नहीं आपने? नहीं आईडिया। हां जी हां जी, ऑब्वियसली कहते हैं आपने शिपिंग लेबल्स हैं वो आपने ईबे से बाय नहीं किए होंगे आपने? नहीं किए। चलिए बस ठीक है, फिलहाल मतलब आप इसको अभी ऐसे चलाएं और अल्लाह करे कि ये चलता रहे तो आपकी भी खुशनसीबी होगी, क्योंकि 100 में से कोई का अकाउंट चल जाता है। हमारा भी एक अकाउंट है, चल रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है माशाल्लाह। बस वो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि पेमेंट उनकी होल्ड पे है, तो मेरा यही है कि अगर पेमेंट मिल जाती है तो फिर मैं फौरन ही उसको विदड्रॉ करा के मैं फिर यूएसए में चला जाऊँ, क्योंकि ये फिर रिस्क ही रहेगा, इसका टेंशन ही रहेगी हर टाइम। पेमेंट होल्ड की क्या वजह देखिए आपने? वजह तो नहीं, क्योंकि वो पहला ऑर्डर भी आया था उसका भी वो कह रहे थे कि जब तक आप शिपमेंट, क्योंकि अभी भी पहुंची नहीं है ना, अभी मैं 3-4 दिन पहले आई तो अभी वो शिपमेंट नहीं पहुंची, तो इस वजह से शायद होल्ड पे है। डिलीवरी, हाँ ठीक है, वो डिलीवरी के बाद मिल जाएगा आपको। सही है सही है, सही है। ठीक है, चलें, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ओके सर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हसन, आप जी जी, हसन नैल, हसन नईम, हसन नईम, NAIM, ये आई लिखा हुआ, ये तो एल है यार। नहीं नहीं, आई है, ये कैपिटल में, तो वो इस वजह से एल लग रहा है। तो यार कहते हैं आप दूसरों को क्यों इतनी मुश्किल में डालते हो, HAS छोटा कर लो हसन, और नईम आई भी छोटा कर लो यार, हम इसे नैल पढ़ते रहे, ठीक है? नहीं नहीं, आसान नहीं, ठीक है। बाकी सर मैं आपसे ना वो इनबॉक्स में आपको जरा तंग करता रहूंगा, तो कुछ मुझे और भी वो ईबीसी के बारे में पूछने थे डिटेल्स, तो वो मैं पूछ लूंगा आपसे, ठीक है सर? अच्छा उसमें यानी कि जरा थोड़ी सी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ईबीसी के वगैरह के हवाले से अगर आपको भी चीज डिस्कस करनी है, तो हसन ग्रेवाल जो है ना वो आपको यानी कि खासा बेटर गाइड करेंगे, क्योंकि ना मेरे लिए अब थोड़ा सा ना इनबॉक्स में रिप्लाइज करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मैसेज नहीं कर सकते, यू आर मोस्ट वेलकम, मैसेज करें, ठीक है?
ठीक है ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जहाँ शेर अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, जानशीर कोटा से बात कर रहा हूँ। सर पहले तो ये है कि बस कुछ सर आपसे पूछना था। वैसे मैं हूँ सर न्यू कमर और सीख रहा हूँ सर। ये है कि सर अभी ईबीसी में इंशाल्लाह इनरोलमेंट भी हो जाएगी। सही, क्योंकि सर मेंटरशिप पे मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ। सर पूछना है मैंने ये था सर कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूएई के कोई अकाउंट हो या केएसए का हो सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे हमारे कुछ है जानने वाले कुछ दोस्त हैं, अगर उनके थ्रू हम बनाए तो सर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और सर भी इसको मेंटेन कैसे किया जाए। उसमें जैसे ऐसा है कि यूएई के जो अकाउंट्स हैं वो यूएस के मार्केट प्लेस के लिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे चलते हैं, स्टेबल चलते हैं, नॉर्मली इशू नहीं आता, और केएसए के भी चलते हैं। तो बाकी ये कि उसके यानी कि कैसे मैनेज किया जाए उसके हवाले से मैंने भी काफ़ी सारी बात की है। और चूंकि आप अगर ईबीसी में आप अगर एनरोल हो चुके हैं तो आप तो फिर इंशाल्लाह खासी मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी आपकी। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, उसमें बस यही है कि आपने 1/60 वाला जो रूल है यानी कि उसको आपने फॉलो करना है, और 60-90 डेज के लिए आपने यानी कि फिजिकल स्टॉक्स जो है उनसे आपने सेल करना है। ट्रैकिंग आईडीज जो है आपने कोशिश करनी है कि सिंगल डे में अपलोड हो जाए आपकी, और आपने कोई अकाउंट हेल्थ के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं आने देना। बस इन चीज़ों का कहते हैं आपने 60-90 डेज ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर ऑब्वियसली उसके बाद भी ख्याल रखना है, लेकिन उसके बाद फिर आपके अकाउंट सस्पेंशन के जो चांसेस हैं वो आपके फिर बहुत कम हो जाते हैं, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ड्यूरिंग द कोर्स मैं ईबी पे सर काम भी कर सकता हूँ या मुझे पहले सारा कोर्स जो है वो करना चाहिए? नहीं, उसमें यह है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट में आपको सिखाया जा रहा था प्रोडक्ट रिसर्च, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ग्रिप हो गई है तो आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बेशक अगर आपने कोई क्लाइंट मिलता आपको तो आप उसे पकड़ें। अभी कहते हैं एक आपके फेलो स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने तो यानी कि अभी ग्रुप के अंदर जो वीडियोस पढ़ी हुई थी उन्होंने उसको देखते हुए, खैर अभी ईबीसी 101 के स्टूडेंट हैं तो अभी उनका कोर्स स्टार्ट होना है, और इस वक्त वो प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज जर्मन क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और एक महीने के अंदर अंदर, मतलब ये सब कुछ उस बच्चे ने एक महीने के अंदर अंदर किया। आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 29 है। ठीक है, आप बड़े मतलब इस वक्त एनर्जेटिक हो, आप जबरदस्त जी सर, और होपफुली सर कि मैं इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा हूं सर अमेज़न में एक्सट्रीम कॉमर्स के जो बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कर रहा हूं। सही, सही। तो सर अभी ये है कि ईमे में आना चाह रहा हूं सर, तो होपफुली इंशाल्लाह सर सही चलेगा। यार कहते हैं आप वैसे भी बलूचिस्तान के लिए तो ऐसा ऐसा भी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि जी बी हो गया अपना गिलगित बल्तिस्तान वजीरिस्तान और बलूचिस्तान, ना पहले हम क्वेटा को एक्सक्लूड करने लगे थे कि क्वेटा फिर भी एक थोड़ा सा डेवलप एरिया है और ऑब्वियस बात है कैपिटल है, तो लेकिन बहरहाल अभी ना कहते हैं हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान को, यानी कि जो हमारे एरियाज बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड से मुराद ये कि जो तरक्की में थोड़ा सा पीछे रखे हैं। वैसे तो माशाल्लाह से हर एक एरिया की एक अपनी स्पेशलिटी है, और अपनी स्पेशलिटी के अंदर हर एरिया बहुत आगे है माशाल्लाह से, और बस इस वक्त एम्पावर्स का जो कि नाम एम्पावर्स है ना, तो हम सोचते ही इस सोचते हैं कि यार एम्पावरमेंट करनी है, तो इस वक्त हम कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे थे कि हम जो हमारे एरियाज थोड़े से पीछे रह गए हैं प्रोग्रेस में ना, तो हम स्टार्ट में हम उन्हें फोकस करें और स्टार्ट में हम मतलब उन्हें आगे लाने की हम लोग करें कोशिश करें। तो चलो आप इंशाल्लाह ईबीसी में आप आ जाओगे तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह इंट्रैक्शन होती रहेंगी, तो फिर इंशाल्लाह कोई इसमें की चीज़ें वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह, मिलके अल्लाह खैर करे। सर मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव स्पेशली फॉर द अंडरप्रिविलेज्ड रीजंस, क्योंकि सर मेरा खुद जो है वो कुछ बलूचिस्तान से शायद सर दो लोगों को सेलेक्ट किया गया है, उसमें मैं भी हूँ सर,
तो थैंक यू सर फॉर द डिस्काउंट एज वेल, पाकिस्तान का आपने डिस्काउंट दिया है सर। भाई हमारा तो दिल है हमारा ना बलोचिस्तान, बस इंशाल्लाह किस दिन आके आपके पास हमने जो असली बलोचिस्तान वाली जो सब्जियां हैं वो इंशाल्लाह कभी हम विजिट करेंगे आपको, तो हमने आके खानी है इंशाल्लाह वो जरूर। पूरी एम्पावर्स टीम को इंशाल्लाह मैं साथ लेके आऊंगा, अल्लाह खैर करे, मतलब जो कोर टीम है तो जरूर इंशाल्लाह हमें तो खुशी होगी उसमें। अच्छा उसमें अभी जानशर ऐसा है कि आपने मतलब अगर हम यहाँ से बैठे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान से और वजीरिस्तान से और ऐसे यानी कि लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शामिल हों, तो जो आपके कहते हैं नेटवर्क में जो लोग हैं उन्हें आप कोशिश करें कि ना वो इसको कहते हैं ज्वाइन करें। ऑब्वियसली वो लोग के जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, और जो इस तरह के कहते हैं बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, और खास तौर पे जो कहते हैं हमारी बहनें हैं, ठीक है, जो मतलब यानी कि अगर उनका कोई ऐसा कल्चर है कि वो घर से नहीं निकल सकती और अपने आप को ऐसे एम्पावर नहीं कर सकती, ठीक है, और वो अगर अपने घरों में बैठ के अगर कोई ऐसा यानी कि काम करना चाहें और सीखना चाहें, तो ये जो मतलब हमारा बलूचिस्तान हो गया, हमारा जीवी हो गया, हमारा वजीरिस्तान हो गया, तो यहाँ से हमने इंशाल्लाह कहते हैं लोगों को और अपनी बहनों को और अपने भाइयों को उन्हें इंशाल्लाह कहते हैं हमने आगे लेके आना है, और अल्लाह खैर करे मुझे और पूरे एम्पावरर्स को इंशाल्लाह बड़ी खुशी होगी कि किस दिन बलूचिस्तान में क्वेटा में कोई सेमिनार हो, कोई मीटअप हो, उसमें कहते हैं आप भी कहते हैं वहाँ पे खड़े हैं और हम सब मिल के आपकी सक्सेस को वहाँ पे सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह कि आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए और बड़ी चीज अपनी चीज़ की, तो हम उसे मिल के वहाँ पे सेलिब्रेट करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सर मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ सर, और इंशाल्लाह सर हो गए भी ऐसा सर, और प्लस यही कि सर मैं वैसे बेसिकली वजीरिस्तान से हूँ सर, और मैंने वजीरिस्तान की सीट पे ही अप्लाई किया था, मगर वो हसन भाई कह रहे थे कि आप जैसे कि बलूचिस्तान में रहते हैं तो हम आपको बलूचिस्तान से कंसीडर करेंगे। हाँ जी, तो सर हमारे जो सर्कल में इंशाल्लाह वजीरिस्तान से भी लोग आएंगे सर, एम्पावर को जो है सपोर्ट करेंगे सर, और प्लस बलूचिस्तान में तो मैं वैसे भी रहता हूँ सर क्वेटा में, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह सर एक कारवां बनेगी सर इंशाल्लाह। चलिए तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, अगर आपके वहाँ पे भी हैं कनेक्शंस हैं, क्योंकि हमने अपने एरियाज को आगे लेके आना है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला खैर करे, बस आप तैयारी पकड़ो आप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह, वेलकम, बारकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी हैंड रेज अभी किसी का नहीं है, और चैट में कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लें और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना सेशन एंड करेंगे। सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, यस, और उसके बाद हाँ जी, कैन वी क्रिएट ebay.uk और USA अकाउंट विद पार्क डिटेल्स? यस, टेक्निकली स्पीकिंग यू कैन, बट इट विल गेट सस्पेंडेड, तो इस वजह से नॉट रिकमेंडेड। क्या ईबे वैसे ही डिटेल्स मांगता है जैसे अमेजोन? यू कैन से बट नॉट नेसेसरीली, मतलब ये आसान है खासा, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे। अच्छा जी, टू क्वेश्चन हैं किसी के, इफ वी हैव एनी क्लाइंट हु वांट्स टू सेल इन ईबे, डज एसवीआर विल प्रोवाइड अस एनफ कंटेंट? यस, एसवीआर आपको इतना कंटेंट दे देगा, डिपेंड ये करता है कि आपने उसे कितना प्रैक्टिस किया और कितना मास्टर किया आपने इसे। और उसके बाद है कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ एसवीआर, डज इट विल बी लाइफ टाइम एक्सेस? फिलहाल 12 मंथ्स है, और बट वी आर वर्किंग आउट कि ये चीज कोई लाइफ टाइम हो जाए, बट अभी के लिए ये 12 महीने है। अच्छा, सो एज अ बिगिनर नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम? मुदस्सर हैं, इन्होंने पूछा हुआ, इनके साथ तो खैर बात होगी थी फिर। उसके बाद देखिए कि हाउ टू स्टार्ट, आई नीड योर हेल्प, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो? जी, आप कहते हैं हसन ग्रेवाल साहब, उनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हसन ग्रेवाल आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे, ग्रुप में आप उनके साथ रब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद कहते हैं अकाउंट क्रिएशन का क्वेश्चन किया हुआ है, उसके हवाले से हमारी खासी बात हो गई है इस वजह से मेरे ख्याल में उसका, और किसी ने बताया हुआ कि जी DHL चार्जेस 6,000 रुपीज़ टू USA पर KG, चले माशाल्लाह।
चलें अब हम फॉर्मली हाँ व्हाट इज द क्वेश्चन चलें अब हम अपना यहाँ पे मीटअप फॉर्मली खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बल्कि शायद एक क्वेश्चन आया भी हाँ जी इसमें क्वेश्चन किया हुआ है स्टॉक्स आर के बारे में थोड़ा बता दें कैन इट बी द सोल मॉडल फॉर ईबे क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सोल मॉडल नहीं है प्रेफर्ड मॉडल है और ये कि आप स्टॉक्स के साथ जब आप ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं तो आपके अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आपके और आपकी ओवरऑल जो बिजनेस है ओवरऑल जो सेल्स हैं वो आपकी खासी इंक्रीज हो जाती हैं आपकी तो इट्स नॉट अ सोल मॉडल बट इट इट्स यू कैन से एन एसेंशियल मॉडल कि जो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ आप करें हाँ अगर आप इतने सारे स्टॉक्स मैनेज कर सकते हैं तो आप इसे एज अ सोल मॉडल कर सकते हैं आप इसे तो हमारे इस वक्त क्वेश्चंस भी सारे हो गए और सब चीज़ों के बारे हो गए डिस्कस चलें फॉर्मली हम आप फिर अपना सेशन एंड करते हैं अंटिल द नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़